बाद में दे सकते। मैंने समय की हमेशा उपयोगिता को समझा है और मैं कुछ भी कहने से पहले तीन जो मेरे मंत्र हैं उनका उच्चारण करता हूँ, फिर आपके साथ शुरू करता हूँ। जी सर। ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात् तुम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संसिधा नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। आज क्योंकि आप लोगों का समय बहुत उपयोगी है और बहुत कीमती है, आप लोग यहाँ पर आए उस चीज को मैं एडमिट भी करता चला जाऊंगा साथ के साथ जो जो ग्रुप में आएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे जब भृगुनंदी नाड़ी सीखी आप मुझे जानते हो सकता है कोई नहीं जानते हो, या मैं किसी और कोर्स में हूँ वहां से नंबर लिया। मेरी तरफ से आपको इसके बाद कोई मैसेज नहीं आएगा, लेकिन मेरा नंबर आपके पास चले जाएगा। आप गुरु भाई समझ सकते हैं, गुरु में कोई भी अपना दोस्त समझ सकते हैं। कभी जीवन के किसी प्लेटफॉर्म पे हम मिलेंगे तो जब जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ या सहयोग कर सकता हूँ उसमें मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो भृगुनंदी नाड़ी का जैसा मुझे ज्ञान हुआ और लोगों के साथ उसमें मेरे को प्रैक्टिस करते करते और जब लोगों को मैंने पढ़ाना शुरू किया उसमें मुझे थोड़ा सा डिफरेंस मिला, उस डिफरेंस को मैं आज शेयर करने के लिए ही ये क्लास यहाँ पर कंडक्ट कर रहा हूँ, या ये आप कह लीजिए एक सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। मैंने ये पाया कि मैंने भी जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखी, न्यूमरोलॉजी, वैदिक, केपी और इन सब की प्रैक्टिस करते करते मैं भृगुनंदी नाड़ी को, और इस भृगुनंदी नाड़ी ने हो सकता है कि जीवन का मुझे वो अपना कर्म या मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दिया हो मौका, और उसको मैं जब तक दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा जो मैंने सीखा है शायद मेरे कर्म पूरे नहीं होंगे, ये समय के साथ पता चल जाएगा आपको। तो जैसा आप लोग सब जानते हैं कि हमारी जो आत्मा है उसकी कोई शरीर नहीं है, जो हमारा जीव है या लाइफ फोर्स है उसकी कोई शरीर नहीं है। तो अगर हम मान लीजिए आत्मा को हम लेते हैं, आत्मा को हम सूर्य से लेते हैं, जीव को हम किसी भी इस पर्टिकुलरली नाड़ी के फॉर्म में गुरु से लेते हैं, और जब उस मैं जब आप बोलेंगे तो आप बीच में अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इस तरह की डिस्टर्बेंस है तो मैं म्यूट कर रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि वो YouTube पे अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो मैं इस वीडियो को डालूंगा, आप अपना कैमरा ऑफ रख सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा आत्मा का कोई शरीर नहीं और जीव का लाइफ फोर्स का कोई शरीर नहीं, जब हमें शरीर मिल जाता है मंगल के द्वारा तो ही हमारा जेंडर पता चलता है, और जब भी हम इंसान के रूप में जितने भी हम लोग बैठे हैं या और भी कोई लोग आएंगे हम लोगों के सबके अच्छे कर्म हैं तभी हम लोग इंसान की योनि में आए हैं, मेरा ऐसा मानना है। उसी चीज को बताने के लिए मैंने ये भृगुनंदी नाड़ी का सेशन रखा है। आप लोगों ने बहुत से लोगों ने ये जाना होगा कि ग्रह 9 है, उसमें से जीव जब मिल गया यानी जब वो किसी भी रूप में आ गया और उसको जीव जब मिल गया उसको लाइफ फोर्स मिल गई, सांसें मिल गई, तो उन सांसों के द्वारा उसने कोई ना कोई तो कर्म करना है। इसलिए भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर और सैटर्न को इंपैक्ट करने के लिए नहीं रखा है, ये तो सभी के लिए गुरु और शनि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको भृगुनंदी नाड़ी को 3 पार्ट्स में एक लेमैन के तरीके से इसलिए डिवाइड किया है कि कौन हमारी किस्मत को बना सकता है, उसको डेस्टिनी मेकर बोला गया है, कौन हमारी किस्मत में अच्छा बदलाव या बुरा बदलाव कर सकता है उसको डेस्टिनी मॉडिफायर बोला गया है, और कौन हमारी किस्मत को रोक सकता है या रुकावट डाल सकता है उसको डेस्टिनी ब्रेकर बोला गया। अब डेस्टिनी मेकर के अंदर
सूर्य, क्योंकि हम गुरु और शनि को पहले ही अलग कर चुके हैं एक जीव और एक कर्म के हिसाब से, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी वहीं से शुरू होती है। कि वैसे तो सभी एस्ट्रोलॉजर बर्थ और रीबर्थ में विश्वास करते हैं, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी के लिए खासकर जन्म और रीबर्थ का आप कह सकते हैं संबंध है, इसलिए गुरु और शनि को इस इम्पैक्ट से बाहर रखा गया है। तो सूर्य, शुक्र और बुध आपकी किस्मत को बनाने वाले तीन पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले सभी के लिए ये ग्रह हैं भृगुनंदी नाड़ी में। और दो, जो आपकी किस्मत को, जो भी आपको मिला है उसको बदलने के लिए, अच्छे के लिए बदलना है या बुरे के लिए बदलना है, उसके लिए चंद्रमा और मंगल का योगदान है। और अगर आपकी किस्मत में कोई चीजों को रुकावट करनी है या आपको से वो लेनी है वापिस, उसके लिए राहु और केतु का माना गया है। हर एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में तकरीबन मैंने ये भी देखा है कि राहु और केतु की एक प्रोमिनेंट पोजीशन होती है, चाहे वो उसकी वाणी के द्वारा हो, चाहे वो उसके कर्म के द्वारा हो। इन दो पर्टिकुलरली एक्सेस में मैं लगन और सप्तम भाव को भृगुनंदी नाड़ी में नहीं लेते, क्योंकि हम लगन नहीं लेते हैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा। लेकिन अगर लगन में भी बैठा हो, यानी 1-7 एक्सिस में बैठा हो, 2-8 एक्सिस में बैठा हो, 4-10 में बैठा हो या 5-11 में बैठा हो, ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्मों का अगर कुछ उपयोग ज्यादा कर लिया है, वहां पर केतु मिलता है जहां उसको इस जन्म में कुछ डिटैचमेंट मिलेगी या कर्म उसको वहां पे सुख कम मिलेगा, उसमें स्ट्रगल उसको दिखाई देगी, और जो उसकी कुछ इच्छाएं पिछले जन्म में अधूरी रह गई हैं या उसकी इच्छाएं इतनी थी कि उनको पूरा नहीं कर पाया और कुछ पेंडिंग कर्म रह गया, वहां पर राहु मिलता है। इसी करके हम सब एस्ट्रोलॉजी में आते हैं इसी विश्वास के साथ। अब मेरा ये मानना है कि जो मैंने आपको तीन कैटेगरी बताई है, कि पहली डेस्टिनी मेकर, दूसरी आपको बताई है डेस्टिनी मॉडिफायर, तीसरी जो मैंने आपको बताई है डेस्टिनी ब्रेकर, वो यहाँ पर इस स्लाइड के द्वारा मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। कोई एग्जांपल लेंगे या कोई आप में से भी अगर ये सेशन चलता है, कोई भी चार्ट शेयर करता है या मेरे जो चार्ट यहाँ पर किए हुए उनके द्वारा मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है, आत्मा का सूर्य से, गुरु से, जीवन से, मार्स से शरीर जो हम धारण करते हैं, या शनि से, कर्म से, इसके साथ साथ ये अगर चार ग्रह हैं, इन चार ग्रहों से जो सूर्य से दूसरे भाव में, अगर सूर्य को ही मैं पकड़ता हूं तो मैं सूर्य जहां पे भी मेरा किसी भी राशि में बैठा है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में जो ग्रहों के कारक तत्व हैं और जो राशि के कारक तत्व हैं उन्हीं का सारा खेल है, और इसमें कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। आप कारक तत्व शरीर में 2-2, 3-3 याद करके या प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे ही राशि के, ऐसे ही आप ग्रह के, उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप पहले दिन से या पहली क्लास से या जब भी आप कोई कहीं से पढ़ते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं, कहीं से भी हैं, आप बिंदास प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हमें समझने की ये जरूरत है, जैसे हमें कहा गया धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष, चार चीजें कही गई हैं, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह आप लेते हैं, इसको भी उसी तरीके से ले सकते हैं। तो अगर सूर्य को लिया तो सूर्य से अगले भाव में, अगर सूर्य जहां आपको मिला वो भगवान का आशीर्वाद है या भगवान ने आपको सोच समझ के वो दिया, अब सूर्य से जो अगले भाव में देखेंगे, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में ट्राइन का कंसेप्ट है 159, इसमें युति चलती है 159 की, और इसमें दृष्टि, जो युति को इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं, अगर पहले भाव में जो भी भाव हमने कंसीडर किया है उसमें जो ग्रह बैठे हैं, ये मैं बताता भी होता हूं कि जो एक ही राशि में अगर ग्रह बैठे हैं वो आपस में 100% रिजल्ट देते हैं। जो उस ग्रह को हम कंसीडर कर रहे हैं उससे पंचम भाव में बैठे हुए हैं वो 75% देते हैं, ये मेरी अपनी प्रैक्टिस के अपने हिसाब से रिजल्ट है। यानी जो 7-1 भाव में बैठे हैं उनका कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा रोल है, और जो पंचम और नवम में बैठे हैं, चाहे हम भृगुनंदी नाड़ी में तीनों ही केसेस में युति लेते हैं,
लेकिन जो रिजल्ट में क्वालिटी में है वो फर्क हो जाता है। इसी प्रकार अगर जो ग्रह मैंने लिया सूर्य, इससे अगले भाव में, नेक्स्ट भाव में अगर मान लीजिए बुध बैठा है, तो बुध उसको 90% इम्पैक्ट देता है, जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है जो मैं औरों को बताता हूँ। और सूर्य से अगर 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसको सिर्फ वो 25% सपोर्ट देता है। और इसके अलावा जो मैं बोलता हूँ, सूर्य के अगर बिल्कुल अपोजिट 7th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो वो देता तो 25% है, देता तो वो 25% रिजल्ट है, लेकिन वो सॉरी 75% देता है सप्तम भाव वाला, लेकिन वो 75% का रिजल्ट इतना इम्पैक्टफुल हो जाता है, इतना जोर से देता है, चाहे अच्छा दे या बुरा दे, खुशी दे या रुलाए, तो वो 125 के बराबर करता है। यानी इसका जो सामने की दृष्टि है, अगर ये मान लीजिए जैसे मेरा ये घर है, इसके सामने मेरा पड़ोसी अगर मेरे को अच्छे भाव से रखता है और अच्छे हमारे रिलेशन है, तो उसका अगर वो थोड़ी भी मदद करता है उसकी मुझे मदद ज्यादा लगती है। वही अगर वो थोड़ा मुझे घूर के भी देखता है तो उसका घूरना भी मुझे बहुत दुखी करता है। तो इस तरह का रिजल्ट जो सामने बैठा है ये मैंने पाया। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप ये भी नहीं करते हैं भृगु नंदी नाड़ी में, सिंपल आप एक चीज पकड़िए, कोई भी ग्रह पकड़ लीजिए, उस ग्रह को भगवान का रूप आशीर्वाद मान के उससे 2nd हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं वो भगवान आपको ये चाहता है कि आप ये काम करें। अगर सूर्य मेरा मान लीजिए मेष राशि में बैठा है, उच्च का हो गया या कोई भी राशि पकड़ लीजिए, नीच का हो गया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है उच्च का प्लेनेट आपसे गलती ज्यादा कराता है, नीच का प्लेनेट आपको हमेशा कंट्रोल में रखता है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आप लोग इससे डिफर भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब उससे अगले भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वो एक तो 90% उसको इम्पैक्ट करेगा, दूसरा भगवान ये चाहता है कि तूने उसके हिसाब से चलना है। उसके बाद जो मैं देखता हूं उस ग्रह से 4th भाव में कौन प्लेनेट बैठा है, जो उस ग्रह से 4th भाव में बैठेगा वो उसके जीवन में वो खुद का उसका रास्ता है, वो चाहे तो उनको रेमेडी के द्वारा अच्छा कर सकता है या ना करे तो उसको स्पॉइल्ड कर सकता है। यानी जो ग्रह मैंने कंसिडर किया उसके हिसाब से अगर चौथे में बैठा हो, ट्राइन में बैठा हो, तो वो मेरी जिंदगी को दिक्कत में ला सकता है। इसीलिए अगर पहला भाव जिसको कंसीडर किया वो गुरु की ब्लेसिंग है, दूसरे भाव में कोई प्लेनेट उससे बैठा है, या आप कह लीजिए 2, 6, 10 में उससे बैठा हुआ है, वो भगवान चाहता है कि मैं 2, 6, 10 भाव में ले रहा हूं, तो उसमें राशि कुछ भी हो सकती है। आपका सूर्य अगर मान लीजिए 1 में बैठा है तो पहला ट्राइन 159 हो गया, दूसरा ट्राइन आपका 2, 6, 10 होगा राशि के हिसाब से, चौथा ट्राइन आपका 4, 8, 12 का होगा। जो चौथा ट्राइन जो मैं लास्ट में ले रहा हूं, जो आपकी क्वालिटी ऑफ रिजल्ट मिलेगी वो 3रे, 7वें और 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह से बैठेगी। तो आप कोई भी कुंडली पे आप ये लगा के देखिएगा, मैंने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, जो गुरु से मैंने सीखा, जो मेरे गुरु भाइयों ने मेरी प्रैक्टिस कराई और उसके बाद मुझे दिखाया, वो सब मैं आपके साथ अब शेयर करने चल रहा हूँ। जो जो चीजें मैंने कही हैं इन चार्ट्स पे करेंगे, और आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आधा घंटा मुझे बोलने दीजिए, कम से कम जो मैं कहना चाहता हूं वो पता चल जाए, और फिर आप अपने क्वेश्चन पूछिएगा। ये देखिए बड़े फेमस पर्सनालिटी के चार्ट हैं, जैसे लेते हैं कहोगे तो मैं आपको लेमैन का चार्ट भी लेके बात कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी की डेट ऑफ बर्थ भी मैं शेयर नहीं करता, और ट्रांजिट और प्रोग्रेशन भी नहीं मेरे को पता क्योंकि इनकी एज के हिसाब से, लेकिन अगर आप कोई चार्ट लेंगे तो उसके बारे में मैं आइडिया दे सकता हूँ। अगर मान लीजिए इस जातक का जीव है, अगर यहाँ पर गुरु को हम जीव मानते हैं, ये 9 नंबर में अगर पैदा हुआ है, तो इस 9 नंबर के हिसाब से हमें ये मानना चाहिए इसका कोई ना कोई कंसेप्ट है, कोई ना कोई इसकी इच्छा है। अब वो इच्छा कैसे पूरी करनी है, जो भगवान ने अगर इसको सूर्य गुरु इसको 9 नंबर में दिया, तो अगर मान लीजिए यार राशि गुरु तो जीव हो गया, 9 नंबर का जो मैं राशि का जो पर्टिकुलरली हम लेते हैं, हम कह सकते हैं कि ये ऑलराउंडर टाइप का बंदा हो सकता है, या ये कह सकते हैं ये कहीं का गाइड हो सकता है, कहीं का एडवाइजर हो सकता है, गुरु अपने ही स्थान में बैठा हुआ है।
ये जिसकी भी कुंडली है उस कुंडली के हिसाब से इस जीव का ये तय था कि ये जब इस जीवन में आएगा इसने कहीं ना कहीं एडवाइज करना है, कहीं ना कहीं का इसको फेमस लीडर बनना है। अब इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि ये क्योंकि अगर फेमस पर्सन की चार्ट है तो इस फेमस पर्सन से आप देख सकते हैं गुरु और सूर्य बैठा है जीव आत्मा योग, यानी इसकी आत्मा भी वही कह रही है, इसका जीव यानी लाइफ फोर्स भी कह रही है। दूसरा, जब गुरु और बुध इकट्ठे बैठ जाते हैं तो वो बंदा वैसे ही बहुत बुद्धिमान और टॉपर लेवल का हो सकता है। ये आपको चार्ट, अगर आप लोग सब एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, जो नए हैं उनको मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन उनको ये चार्ट देख के पता भी चल रहा होगा कि ये किन का है और ये किस लेवल के बंदे थे। तो ये तो पहला हुआ उसके जीव का और उसकी आत्मा का। और जीव और आत्मा के पास जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है देह। देह को मैंने मंगल से किया, मंगल से अगर मैं देह को लेता हूं, देह इनकी 12 नंबर की राशि से बैठी हुई है। अगर 12 नंबर की राशि बैठी हुई है तो आप इसको मोक्ष की भी ले सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं ये दुनिया के लिए काम करेगा। देखिए 6 नंबर की राशि भी आपको रिसर्च करने के लिए या दुनिया का काम करने के लिए बोलती है, वर्गो साइन जो मैं कह रहा हूं। लेकिन वर्गो साइन वाला जो बंदा जिसमें अगर मान लीजिए मार्स बैठा हो, वो कॉमर्शियल एंगल से काम करेगा, वो अपने लिए अपने प्रॉफिट के लिए ज्यादा काम करेगा। लेकिन अगर 12 नंबर में मार्स बैठा हुआ है, क्योंकि देह ये कहती है कि दुनिया के लिए तुझे काम करना है और दुनिया के लिए जो काम करना है वो इस तरीके से करना है, उसकी रिटर्न की इच्छा मत करना। तो मैंने अभी आपको तीन चीजें जो बता दी, पहली कि जीव का क्या कारक है, आत्मा का क्या पर्पज है, जीव यानी लाइफ का क्या पर्पज है, आत्मा का क्या है और देह का। अगर मान लीजिए अब इसका कर्म भी देखना हो, कर्म को आप देख सकते हैं 7 नंबर का है, 7 नंबर आप कह सकते हैं एक बैलेंस का साइन है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत सारी पब्लिक डीलिंग के मतलब हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका कर्म देखना हो शनि से, आप शनि से दशम भाव काउंट कर लीजिए, चाहे भृगुनंदी नाड़ी है बेसक से, यहाँ से अगर देखेंगे 7, 8, 9, 10, ये देखिए 4 नंबर का फिर आ रहा है और 4 नंबर इसको मतलब दुनिया की केयरिंग करनी ही करनी थी, या जिस देश में पैदा हुआ, जिस समुदाय में पैदा हुआ, जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ, वहां पर इस जातक का फर्ज बनता था कि इसका प्रोफेशन में कहीं ना कहीं केयरिंग करेगा। अगर इस केयरिंग में कहीं ना कहीं राहु भी आ गया तो राहु उसको केयरिंग करने के बाद नो डाउट एक्सपेंशन देगा ही देगा। ये एक चार्ट ऐसा है जो मैं किसी के भी साथ से जो मैंने पढ़ते हुए पाया, और बाकी जो भृगुनंदी नाड़ी के चाहे मैं यूट्यूब से देखता हूं या मेरे टीचरों ने ऐसा नहीं समझाया। तो इसीलिए क्योंकि मैंने जो कहीं से भी सीखा दूसरे लोगों को बताना था और एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को बताना था अपने व्यूज, इसलिए मैंने आप सब लोगों को इनवाइट किया। दूसरा, इसमें से अगर हम देखें जो मैंने एक चीज पाई, क्योंकि इसमें दशा और अंतरदशा या प्रतंतर तो कुछ लेते नहीं, इसमें ट्रांजिट लेते हैं और ट्रांजिट का जो भी लेना है आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन भृगु नंदी नाड़ी में ट्रांजिट के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रोग्रेशन भी करें। प्रोग्रेशन का जो मैंने एक जर्नल तरीका निकाला वो आप लोगों की तरह ही माना कि मान लीजिए गुरु 12 साल में एक राउंड करता है तो यहाँ 12 साल में रहेगा और अगले 12 साल में यहाँ देगा, फिर 12 में ऐसे देगा, तो ये 36 साल तक का हम दे सकते हैं, फिर एक एक साल करेंगे तो उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या, इसके अलावा जो एक मैंने और एक अच्छी चीज निकाली वो डिग्री सिस्टम को इसमें देखा, प्रैक्टिस की उसकी कि कब कौन से कहा पैदा हुआ तो उसकी कितनी डिग्री जा चुकी थी, तो अगर वो डिग्री जा चुकी है तो उतने साल वो पिछले भाव का या उसी भाव का रिजल्ट देगा, डिपेंडिंग अपॉन वो रेट्रो प्लेनेट है या वो है। तो ये चीजें मैंने बतानी थी क्योंकि मैं भी कोर्स प्रोफेशनली कराता हूं और उसकी मैंने बात नहीं करनी, लेकिन आप इसको जरूर देखिएगा कि इस तरीके से कैसे डेली आप इवेंट्स एक एक साल की निकाल सकते हैं, या इसमें अगर कोई आगे आप कोई प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूं तो अपनी इनपुट दे सकता हूं। अब दूसरे मुद्दे पे ये आते हैं जो इसमें से जो मैंने कहा
अगर मान लीजिए गुरु से मैंने इसको कंसीडर किया, और गुरु से अगर हम कहते हैं भगवान ने गुरु इसको दे दिया लोगों की से मतलब लोगों के लिए काम करना या लोगों को रास्ता दिखाना, लीडर करना। मैंने आपको बोला इससे अगले भाव में जो ग्रह बैठेंगे, या यहाँ पर वन, यहां से अगर इस भाव से लूं तो ये 9 1 5 यानी 2 6 10 का एक ट्राइन बना, ये ग्रह 1 5 9 का। इससे अगले में देखेंगे तो यहाँ 10 राशि है, यानी तीसरा सातवां और छठा 2 6 10 में इसका, इनका सिर्फ केतु बैठा है। तो भगवान ये चाहता है कि आपको जो भी करना है ना, डीप में जाके, रूट्स में जाके लोगों के लिए काम करना है, भगवान की यही इच्छा थी। इन्होंने किया कि नहीं किया ये तो बाद की बात है। गोपाल जी, मैं आपके जवाब दूंगा जो जो आप मैसेज में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने इनवाइट किया है तो सब लोगों के आंसर दूंगा। आप मैसेज में डालते रहिए, और लेकिन आधे घंटे के बाद डालिए, नहीं तो कहीं आपका क्वेश्चन चला ना जाए। प्रोग्रेस से रिलेटेड मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब आज के मुद्दे पे अगर हम आते हैं, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाना है, तो अगर जुपिटर अगर इनकी लाइफ में यहाँ पर है, और जुपिटर से अगले भाव में इनको भगवान चाहता था कि निस्वार्थ भाव से केतु, बगैर अटैचमेंट हुए आइसोलेशन में जाके, आइसोलेशन कुछ लोग सैटर्न से भी देखते होंगे, लेकिन केतु ऐसा है कि बगैर स्वार्थ के, आपको बगैर उसका उम्मीद किए आपको काम करना था, भगवान ने इनको ये दिया। ये मैंने आपको बताया, गुरु यहाँ मिला, आत्मा यहाँ मिली, उसके आगे जो ग्रह बैठा हुआ है 2 6 में कुछ, सिर्फ केतु बैठा है, वो ये कहता है सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ से सेवा कर। अब गुरु से जो चौथे भाव में बैठा हुआ है, चौथे भाव से गुरु से देखिए यहाँ मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं इस ट्राइन को लूंगा तो मंगल यहाँ पर इसके साथ इसका ट्राइन बन जाएगा 4, ये वाला, तो ये 4 8 12 के जो राशियां दी हैं इसके 4 आ जाएंगे, शुक्र भी आ जाएगा, चंद्रमा भी आ जाएगा, मंगल भी आ जाएगा, राहु आ जाएगा। तो इनको वो रिजल्ट अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं मंगल वाला एफर्ट भी चाहिए था, वीनस वाला ग्लैमर भी चाहिए था, चंद्रमा वाला बदलाव भी चाहिए था, राहु वाला जैसे पॉलिटिशियन का होता है एक्सपेंशन, वो भी चाहिए था। तो इन्होंने वो रास्ता चुना, और ये रास्ता चुनते चुनते जब ये यहां पर इनसे जुपिटर से तीसरे भाव में देखेंगे, ये वाला बनेगा यहाँ पे 11 जो है, यानी ये 4 8 12 वाला, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैटर्न है। सैटर्न का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म। तो इनका नेट सेल में क्या निकला कि ये कर्म करते ही रहे और लास्ट तक इनको कर्म का ही फल मिला। तो इस तरीके से मैं एक चार्ट बताया, अगर आप अगला एग्जाम्पल कहेंगे तो उसमें भी कर दूंगा, लेकिन अगर ये आपको समझ में आ गया तो मेरे आगे 3 चार्ट और हैं, आप उसमें लगा के खुद देख सकते हैं। आज का मतलब एक शादी से रिलेटेड मैंने 4 चार्ट एग्जाम्पल लिए हैं, कब शादी नहीं होगी, प्यार होने के बावजूद भी शादी नहीं हो तो क्या योग बनता है, वो मैंने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो ऐसी 6 7 स्टेटमेंट, लेकिन इस चार्ट पे किसी भी चार्ट में उन 6 पॉइंट में से 3 लगती हैं, कुछ अगले चार्ट में लगेंगी, आप उनके द्वारा देख सकते हैं कि जातक की शादी नहीं होती। प्रोमिनेंट है चंद्रमा और शुक्र की युति, प्रोमिनेंट है चंद्रमा और शुक्र की यति युति, अगर वो हो जाए तो जातक को शादी नहीं देती। तो ये इसको नो मैरिज योगा बोला गया है, ये एक कंडीशन होगी। अगर इसके ऊपर कोई और बहुत ही अच्छा बेनिफिक प्लेनेट आ जाता, मैं तो यहां कहूंगा कि भृगु नंदी नाड़ी में शुक्र से हम पत्नी देखते हैं, और यहाँ पर 3 प्लैनेट आगे हैं, सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो पहली कंडीशन है जब एक ही भाव में आ गए तो ये नो मैरिज योगा बनने के चांसेस हैं। उनके रिलेशन किसी से रहे हों एक अलग बात है, लेकिन वो शादी फाइनली नहीं होने देगा, ऐसा चंद्रमा और मून बोलते हैं। अब इसके साथ एक कंडीशन के साथ कम से कम 2 और कंडीशन लगनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर शुक्र को पत्नी लेते हैं तो देखिए शुक्र कहीं ना कहीं आके इनके साथ पाप कत्री योग में बन रहा है, या आप कह सकते हैं शुक्र जो अगर
मंगल के साइन में भी हो तो थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है शुक्र जो है। तो यहां पर जो है सूर्य जो है क्रूर ग्रह में काउंट करते हैं और शनि को हम यहाँ पर पूरा पापी ग्रह में काउंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट जरूर आ रहा है। अगर उसकी यहाँ पर मंगल के साथ भी देखेंगे, मंगल और शुक्र लड़के लड़की के बीच में चाहत जरूर दिखाते हैं, राहु उसको डिजायर को बढ़ाते भी हैं, लेकिन यहाँ पर इन दो प्लैनेट्स के बीच में जैसे कहा उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट शुक्र अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। यानी इस जातक को अगर ये लड़के का चार्ट है तो इसकी पत्नी की मैं बात, इसकी जो होने वाली पत्नी है कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। तो पहला चंद्रमा और शुक्र का, दूसरा पापकत्री का, तीसरा अगर उसी चार्ट में सूर्य या जो चंद्रमा है वो किसी प्रकार से किसी ग्रह से वो अपने आप को अनकंफर्टेबल पाए या नीच के हो जाएं या एफ्लिसिट कह सकते हैं उस पर कोई पाप दृष्टि आपको कह सकते हैं कि क्रूर ग्रह का इफेक्ट पड़ जाए, जैसे यहाँ राहु का पड़ रहा है तो वो पीड़ित हो रहे हैं बेसिकली। वो पीड़ित होने से अगर सूर्य और चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो भी शादी में दिक्कत करते हैं। ये जिन भी चार्ट है, जिन भी जातक का चार्ट है वो उनके यहाँ पर तीन जो कंडीशन है वो अचीव हुई। इसी तरीके से और भी कंडीशन है जो अगले चार्ट पे मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर जैसा मैंने ये पोस्ट भी किया था, यही चार्ट के लिए पोस्ट किया था कि अगर लड़के की शादी होनी है, लड़के की शादी में हमने शुक्र का इम्पैक्ट लेना है। शुक्र अगर मान लीजिए गुरु से चौथे भाव में बैठा हो तो भी शादी को डिक्लाइन करने में, क्योंकि किसी भी ग्रह से चौथा छठा आठवां उस ग्रह की चीजों को जो मिलनी है उसमें रुकावट का काम करता है। तो यहाँ पर चौथा क्योंकि इस जातक के लिए पत्नी होगी और गुरु से चौथा है वो नहीं पूरा हो रहा। और यहाँ पर देखेंगे जो पिछले चार्ट में बोला मैंने चंद्रमा और शुक्र, वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि ये इस भाव से 90% दे रहा है ये भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो दो यहाँ पर पॉइंट निकल गए। तीसरा इसमें भी देखेंगे कहीं ना कहीं सूर्य या चंद्रमा में से, इस चार्ट में तो सूर्य केतु के साथ बैठा है और चंद्रमा उस सूर्य को राहु केतु एक्सेस में भी आप मान सकते हैं और चंद्रमा खुद नीच का होके बैठा है, आगे उसके सैटर्न है तो ये भी अपने आप को दुखी पा रहा। तो ये चार्ट में भी ये बहुत ही प्रोमिनेंट बंदे का है। इन चार्ट्स पे फिर आ सकते हैं हम, अभी मैं सिर्फ शादी की अप्लीकेशन कर रहा हूँ तो इसलिए आपको वो बता रहा हूँ। तो इस तरह से टोटल अगर तीन पिछले चार्ट में थे और चंद्र गुरु से जो शुक्र है यहाँ पर चार पॉइंट मैंने अभी आपको बताए जो शादी को नहीं होने देना चाहते। हाँ, पहले चार्ट में जातक को प्यार अवश्य हुआ, शादी नहीं हुई, इनको तो प्यार भी नहीं हुआ अपने काम में। अगर वही चीज इनके चार्ट में लगाएं तो देखिए जुपिटर से पकड़िए, जुपिटर से नेक्स्ट में कोई प्लेनेट नहीं है जैसा हमारे हिसाब से हम लेते हैं, तो उसमें अगर कोई ग्रह नहीं है तो इसमें दो, इससे इस टाइम में 2, 6, 10, तो यानी इसका सॉरी इसका जो अगर हम इम्पैक्ट लेंगे तो इस जुपिटर को कहीं ना कहीं, यानी इसका प्रोफेशन भगवान कह रहा था कि तूने प्रोफेशन में अपना डूब के काम करना है, और सैटर्न खुद 9 नंबर की राशि में बैठा है तो प्रोफेशन में ये एक रिनाउंड पर्सन रहे। इनको सब जानते हैं आप लोग, चार्ट से वैसे ही समझ जाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं माफी चाहूंगा कि ये अगर मुझे कहीं यूट्यूब पे डालना है तो मैं नहीं चाहता किसी का नाम इस पे आए। तो यहां पर देखेंगे कि भगवान ने कहा प्रोफेशन में डूब जा, और चौथा उसका देखना है कि उसमें उसने रास्ता ये चुना। यहाँ पर अगर रास्ता देखेंगे तो शुक्र और मंगल इसमें अगर आ रहे हैं 4, 8, 12 में देखें तो ये 4 है 8 यहाँ से है 12, तो इसने कहा कि मुझे यहाँ पर 7 नंबर राशि में है बैलेंस रहा। अगर तो एक नॉर्मल बंदे का चार्ट होता तो वो अवश्य कहता कि शुक्र और मंगल की युति है, लड़के लड़की में बहुत क्लोज रिलेशन होगा और बहुत इजिली अट्रैक्ट हो जाएगा, या इसके किसी भी अगर ये मेल का चार्ट है तो हम इसमें गुंजाइश, अगर मैं भी होता तो ये कह सकता था कि भाई इसके किसी भी फीमेल से रिलेशन बन जाएंगे क्योंकि यहाँ प्रोमिनेंटली इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब इस बंदे की वो डिजायर ही नहीं,
उस बंदे की डिजायर ही नहीं। इसकी पहली देखिए, जुपिटर कैंसर में है, इसने लोगों के लिए काम करना है, केयरिंग वाला, या लोगों की भलाई के लिए काम करना है। ऊपर से इसने ये इसको बैलेंस होना चुन लिया, और इसका एंड रिजल्ट क्या आया, अगर हम जुपिटर के 3 से 3, 7, 11 से देखेंगे, तो देखिए आत्मा क्या कह रही है, केतु के साथ बैठी है और बुध के साथ बैठी है। जो भी है अपने काम में, अपने जो भी लिखाई का, पढ़ाई का, या जो भी इनका काम था, उसमें ये पूरी तरह से डूब गए। तो एंड रिजल्ट इनको बहुत सक्सेस वाला मिला। केतु थर्ड में, वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि केतु थर्ड में हो, डिजायर वाले हाउस में हो, या सूर्य हो, तो उसकी डिजायर इतनी बढ़ा देते हैं कि वो जो अपनी वो चीज चाहता है, 6 नंबर की राशि है, प्रोफेशन को लेके ही इतनी डिजायर थी, भगवान ने लास्ट में इनकी वो सारी सुनी। और ये बहुत ही फेमस पर्सन, दुनिया इनकी मिसाल देती है ऐसे पर्सन। ये तीसरा चार्ट किसी एक फीमेल का है, वो भी फेमस पर्सनैलिटी है। और यहाँ पर भी देखिएगा, क्योंकि वहां पे मेल का चार्ट था, वहां पे मार्स का कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ लिया हुआ था, या जुपिटर से जो कॉम्बिनेशन हम ले रहे थे वो यहाँ पर हम वीनस को ले रहे थे, यहाँ पर हम मार्स को ले रहे हैं। यहाँ पर मार्स मून का कॉम्बिनेशन, वहां पे जैसे वीनस और मून का कॉम्बिनेशन था नो मैरिज का, लड़की की चार्ट में मार्स और मून नो कॉम्बिनेशन को डिपेंड करता है। दूसरा, अगर हम यहाँ देखेंगे वीनस, अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी चार्ट में वीनस फोर्थ में है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस जातिका का अफेयर नहीं हुआ या किसी के साथ ये रिलेशनशिप में नहीं रहे, लेकिन जो एक मैरिज के लिए जो एक स्टैंप लगती है, या समाज में जिनको मैरिड कहा जाता है, वो स्टेटस शायद इनका नहीं रहा। तो ऊपर से देखेंगे तो शुक्र, शुक्र जो ओवरऑल विवाह को इंडिकेट करता है, चाहे लड़की का है चाहे लड़के का है, यहाँ तो अगर लड़की का चार्ट है तो हमें मंगल के साथ देखना चाहिए, मंगल रेट्रोगेट होके सैटर्न के साथ ही जा रहा है पीछे, तो लेकिन यहाँ पर जो शुक्र है वो भी पाप कत्री में आ रहा है। लेकिन क्योंकि इनकी 2 नंबर का साइन है, अगर इसको देखेंगे और जीव का भी अगर देखेंगे, लीडर बनना था इसी से ही देखें, तो इनका तो लाइफ में तो प्रोग्रेस करना, एक बड़े फेमस पर्सनैलिटी के रूप में इनको जाना जाता रहा। तो ये तीसरा चार्ट था। ये फेमस पर्सनैलिटी के अलावा मैं एक चार्ट और ले रहा हूँ, फिर उसके आपके जो क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर आऊंगा, ताकि भाई मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, तो उसमें कुछ बोलें तो बाकी लोग उससे समझ पाए। ये देखिए एक नॉर्मल मेरे की तरह एक गर्ल्स का चार्ट है, लेकिन ये बॉय का नहीं है। अगर उसमें देखिए यहाँ पर अगर वही सब निगाएंगे, शुक्र, मैंने किसी भी चार्ट में, अगर लड़की के चार्ट में देखा है, मार्स से लेके बीच में अगर लड़के ने लड़की के पास आना है, तो ऐसे राउंड लगा के आना है, तो अगर बीच में केतु हो, इस लड़की की नो डाउट शादी हुई और डाइवोर्स हुआ, अभी सेकंड मैरिज हुई कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट मैरिज से इनको डाइवोर्स हुआ। और वैसे भी जब आप देखेंगे इसमें जो शुक्र है वो रेट्रोगेट होके केतु के साथ आ रहा है, और दोनों की डिग्री जो है वो दीप्तांश, या जो आप लोग यूज करते हैं शुक्र की डिग्री के हिसाब से, वो 7 डिग्री तक आप बोला गया है कि वो इम्पैक्ट डाल सकता है। तो क्योंकि केतु की तो अगर आप डिग्री ना भी लें, अगर ये वैसे तो आप कह सकते हैं ताजिक में या आप प्रश्न कुंडली में हम यूज करते हैं, लेकिन अगर भृगु नंदी नाड़ी में भी देखें दीप्तांश, अगर सूर्य का 15 डिग्री है, चंद्रमा 12 डिग्री है, गुरु का और किसी और प्लेनेट का 9 है, मंगल का 8 है, 2 प्लेनेट का 7 है, तो शुक्र का अगर हम 7 लेते हैं, तो ये 7 के उसकी रेंज में आता है, तो इनका भी डाइवोर्स दिखता है। और दूसरा, जब ये शुक्र रेट्रोगेट होके आएगा, तो देखिए यहाँ पे मून और वीनस का भी उसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। ये सब भृगु नंदी नाड़ी के डिटेल की चीजें हैं। अब मैं जो लास्ट में जो एक आपके क्वेश्चन सेशन ओपन करने से पहले जो कहना चाहता हूँ, प्रोग्रेस्ट का या ट्रांजिट का बहुत लोग कहते हैं, और भृगु नंदी नाड़ी में मैं सही कहता हूँ कि इन्हीं दो चीजों का खेल, लोग इसको अलग अलग हिसाब से, अगर आप किसी अच्छे टीचर के पास जाते हो तो वो शायद चार्ट को उतने एग्जाम्पल लेके समझाता भी नहीं। हो सकता है कि मैं समझाता हूँ या ना समझाता हूँ, मेरी बात भी छोड़िए, लेकिन अगर आज इस प्लेटफॉर्म पे आप पूछेंगे, मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा पूरी, लेकिन कुछ आइडिया जरूर दूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बुलाया है। जैसा सबसे पहले एक जो मैसेज आया था, आप लोग अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन आया था, हाउ यू प्रिडिक्ट इफ इट इज प्रोग्रेस्ड जुपिटर इन फोर्थ हाउस, ये गोपाल कृष्ण ने कहा है। देखिए गोपाल कृष्ण जी, अगर मैं अभी और कुछ टेक्निक ना डिस्क्लोज करते हुए, एक सिंपल मान लीजिए जुपिटर पहले 12 साल यहाँ है, तो 12 साल इसका समझ लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लगन के रिजल्ट के, आप अगर भृगु नंदी नाड़ी कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर जहाँ होगा लगन वहीं से मानेंगे, या आप वैदिक को भी ले आई तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट रहना है, इसी भाव से संबंधित डेवलपमेंट देनी है, यानी 5 नंबर राशि से। 5 नंबर राशि वो जोड़ा सिंह राजाओं की राशि है, यानी इस जातक के राजाओं जैसे ऊपर सूर्य भी साथ बैठा है जीव आत्मा, पहले 12 साल इसके बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। अब 12 साल में से पहला साल यहाँ, दूसरा साल यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां यहाँ, दसवां यहाँ, ग्यारहवां यहाँ, बारहवां यहाँ, इसको प्रोग्रेस्ड ईयर को लेना जरूरी है। प्रोग्रेस्ड ईयर के ऊपर ट्रांजिट लगाएंगे तब आपको इवेंट दिखेंगी। प्रोग्रेस्ड ईयर के जुपिटर का नेटल जुपिटर से कॉम्बिनेशन होगा तो ही इवेंट दिखेंगी। तो ये पहला जवाब मैंने गोपाल कृष्ण का दिया जो उन्होंने पूछा। सर, मेरे को एक पूछना था कि जुपिटर यहाँ 4 डिग्री का है, तो 4 डिग्री निकल गया ना, तो 12 साल में घट जाएगा क्या? कुछ 10 साल ऐसा हो जाएगा? हाँ, उसका एक रूप फार्मूला है, वो आपने 100% पकड़ा है, वो निकल जाएगा इस भाव में से। अगर वो कहेंगे जितना वो निकलेगा 12 साल में से वो माइनस होंगे, तो यहाँ बचे हुए जो से, फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडमली कहता हूँ कि अगर 30 डिग्री है ना या टोटल हाउस, तो उसमें से 30 डिग्री को आपने 12 साल देने हैं, तो 30 डिग्री में से 12 साल देंगे तो करस्पॉन्डिंगली वो माइनस कर लीजिएगा, और उसमें से आप से मान लीजिए 8 साल बचे, 8 साल बचे तो 8 साल यही देगा, अगले 12 साल यहाँ देगा, तो 20 साल का बच्चा यहाँ हो जाएगा, 8 और प्लस 12 20 का यहाँ हो जाएगा, 32 का यहाँ हो जाएगा, और फिर 32 में से 12 करेंगे तो यहाँ 44 का यहाँ हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंगली आपने प्रोग्रेशन निकालना है। फर्क सर, थैंक यू सर। तो जुपिटर अगर चौथे घर में रहता है तो वो शुक्र और बुध के साथ जो है लिंक बना रहा है ना, तो वो जो उस ईयर में 36 साल के बाद का टाइम में, तो कैसा रिजल्ट आप प्रिडिक्ट करेंगे? क्योंकि ट्रांजिट भी एक है, प्रोग्रेशन भी एक है। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ट्रांजिट भी रिजल्ट देता है, लेकिन उसके ऊपर जो स्टैंप है ना, गवर्नमेंट की जैसे स्टैंप लगती है रिजल्ट देने वाली, वो प्रोग्रेस जुपिटर ही देता है। मान लीजिए इसमें 8 साल यहाँ हुए और 20 साल यहाँ हुए, 12 साल सॉरी 20 ही हो गए, और यहाँ पर हो गए इसके 12 32 हो गए, तो यहाँ पर मान लीजिए वो 33 से लेके 44 साल तक का रिजल्ट देगा ना, 33 यहाँ देगा, 34 यहाँ देगा, 35 यहाँ देगा, 36 यहाँ देगा, 37 का जुपिटर यहाँ है। इसका जुपिटर से देखिए, तो इसका नेटल जुपिटर से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, हाँ सर, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, चाहे वो अपने साइन में बैठा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आने वाले इसकी लाइफ में। ओके सर, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, अष्टम भाव में बैठा है ना, 8 बैठा है ना जुपिटर से, अच्छे रिजल्ट के लिए 159 का कनेक्शन या 212 का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। ओके सर, थैंक यू। आप लोग बाकी बहुत समझदार हैं तो आगे आप यूज कर सकते हैं प्लीज से। मैं जिनको पढ़ाऊंगा उनको तो प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, लेकिन क्योंकि आज बुलाया तो मुझे कुछ छिपाना नहीं है, लेकिन मैं पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसके लिए माफी चाहूंगा। कोई और भी पूछ सकता है प्लीज, मेरे अलावा 15 लोग हो रहे हैं, वो जो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे मैं जवाब दूंगा। हेलो हाँ जी रोहित जी बोलिए प्लीज। सर, ये रिट्रोग्रेड प्लेनेट का कैसे कॉम्बिनेशन पकड़ेंगे, 157 वगैरह का? रेट्रोगेट का पहले आप उसी भाव से पकड़िए, फिर उसको पीछे चलाना है, फॉरवर्ड की जगह पीछे चलाना है। अच्छा, यानी 12 12 रिवर्स। हाँ, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए जुपिटर है रेट्रोगेट, तो पहले यहाँ देगा, फिर इसके पीछे जहां शुक्र है वहां ले जाइए उसको, आगे ले अच्छा, जाना। नेक्स्ट 12 इयर्स, नेक्स्ट ट्वेल्व यस इयर्स यस, उसमें एंड टेक्निक फॉर है, फर्दर लेयर्स हैं, वो यहाँ नहीं बताऊंगा प्लीज, लेकिन वो नहीं नहीं पीछे ओके चल। नहीं नहीं ओके जी, दिस इज फॉर जस्ट नॉलेज पर्पस, हाँ यस, वो पीछे हाउ यू पीछे पीछे कंसीडर, यस, बिकॉज इट हैज टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट, इफ इट इज जुपिटर हेयर यू थिंक इट इज ए रेट्रोगेट, जुपिटर रेट्रोगेट इज देयर, 12 ईयर्स यू टेक फ्रॉम इन दिस पर्टिकुलर साइन, दैट इज
Leo sign. That means something characteristic flavor of Leo sign will be there. Next 2 year, next 12 years, flavor of Cancer will be there. Something he is going to do something or she is going to do something related to caring. Correct. Okay. Thank you. आप कोई भी कोई पूछ सकता है, सेशन ओपन है, किसी के बारे में भी पूछ सकता है जी। आप सर आपने बोला मून और वीनस का कंजंक्शन जो है मैरिज नो मैरिज का रिजल्ट देता है, तो अगर मून और वीनस एस्पेक्ट में हो तो भी सेम रिजल्ट आएगा? मैंने ये बोला मैडम एस्पेक्ट में, अगर से फॉर एग्जांपल वो 5-9 बैठे हैं, वीनस से मून 5 बैठा हुआ है, अच्छा, या 9 बैठा है, तो वो 75% रिजल्ट देगा। और 1-7 में हो तो वो देगा 75%, लेकिन इम्पैक्ट डालेगा 125 का, शायद जैसे शादी टूट जाए, एक बार हो जाए टूट जाए, लेकिन वो पहली कंडीशन जो मैंने बोला मून वीनस की, वो पहली कंडीशन है। उसके साथ दो कंडीशन और मैच करनी चाहिए नो मैरिज में, क्योंकि नो मैरिज डाइवोर्स सेपरेशन ये उसी कॉम्बिनेशन में से आगे निकलने वाले हैं। सर आपने बोला अभी कि जो जुपिटर अगर रेट्रोगेट होता है तो वो लास्ट नेक्स्ट 12 ये साल जो है कैंसर साइन के देगा रिजल्ट्स, तो उसके नेक्स्ट 12 इयर्स फिर क्या ये वापस रिवर्स ही चलेगा? नहीं नहीं, वो फिर वो 3 नंबर में चला जाएगा जेमिनी में, मतलब वो पूरा ही सर्कल रिवर्स काटेगा, फिर रेट्रो में काटेगा, वो 12-12 साल वाला काटेगा, लेकिन आगे की लेयर आप तो मेरे कोर्स में है, शायद मैं आपको वहां पे टीच करूं। ओके सर, ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था, सर आप नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे हमें जो कराएंगे वो किस ऐप से हम कराएंगे आप? मैडम मैं कोई नहीं मानता, आप जो मर्जी, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किए, मैं पर्सनली जो करता हूँ वो जे जगन्नाथ होरा का करता हूँ, और सिर्फ राशि चार्ट लेता हूँ। जिस सॉफ्टवेयर से आपको प्लैनेट्स की डिग्री मिल जाए वो यूज कीजिए, चाहे कोई भी न्यूमरोलॉजी कराता हूँ, वैदिक कराता हूँ, मैं कोई सॉफ्टवेयर नहीं करता, मैं सिर्फ ना डिविजनल चार्ट में, तब कोई भी आप यूज कीजिए। हमें तो सिंपल ये है, हमें कोई कमीशन नहीं किसी से, कोई कुछ नहीं, हमें तो बंदों को सिखाना है, दिमाग से सिखाना है। अगर सॉफ्टवेयर में मैडम अगर मैं कोई बोल भी दूंगा ना, आजकल भृगुनंदी नाड़ी के बहुत सॉफ्टवेयर आ रहे हैं मार्केट में, भृगुनंदी नाड़ी के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा, जब आप उस लेवल से प्रैक्टिस करेंगे आप उस सॉफ्टवेयर को पीछे छोड़ देंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉफ्टवेयर बना है ना। एक्चुअली सर मैं जैसे फ्रेशर हूं और मैं आपसे ही सीखूंगी आगे, तो मुझे कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिएगा काम करने के लिए, या जो आप सिखाएंगे वो सीखने के लिए, मैडम पहले तो आप वो लिंक हमें देंगे, कैसे करेंगे सर? मैडम मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे जगन्नाथ होरा का सॉफ्टवेयर तो फ्री है, गूगल पे करेंगे, मैं आपको लिंक आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, डाउनलोड करके अपने उसमें डाल लीजिएगा जी सर प्लीज, ठीक है? या आप जो मैं यूज कर रहा हूँ वो तो आपको दे ही दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है जी सर, बस हमें ना कि कुछ करने के लिए मिल जाएगा, जैसे फ्रेशर है वी डोंट नो। हाँ चाहे एस्ट्रोसिस, मैडम मैं आपको पहले दिन से, मेरे लिए कोई चाहे 15 साल का एस्ट्रोलॉजी किया हुआ है या वो पहले दिन का है, वो दोनों सेम है जी जी सर। और मैंने एक एक चीज बतानी है, वो क्लास का टोटली कंसेप्ट डिफरेंट है। भृगुनंदी नाड़ी जस्ट लाइक ऋषि, आप एक मान के चलिए जंगल से एक आया ऋषि आया और वो उसने कबीले में आके कहा तुम आज सबने पानी पीना है, जब लोग सब पानी उसके कहने से पी लेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा, लेकिन जब उसमें कहेंगे अपना दिमाग लगाएंगे मैं पानी गर्म पीऊं मैं पानी ठंडा पीऊं, उसने तो बोला पानी पी लो, आपने पानी पी लिया आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर इस लॉजिक में गए आपने गर्म पानी पीऊं ठंडा पीऊं या कहां से लाके पीऊं, तो फिर आप भृगुनंदी नाड़ी समझने में दिक्कत हो। नहीं सर हम तो आपके पास आ गए ना, नहीं, तो नहीं, आप मैं जो भी मेरे को भी मैं जो गुरु की भाषा है मुझे देखते देखते जो आई, मैंने एक कबीले के तरह आपको पढ़ाना है और जिम्मेवारी मेरी है, अगर मेरा कोर्स पढ़ाने के बाद आपने जितनी प्रैक्टिस की है, हो सकता है मेरे कुछ स्टूडेंट भी बैठे होंगे, मैं उनको नहीं बुलवाऊंगा बीच में जी सर, हैं इसमें ऐसे, लेकिन मैं आप मेरे YouTube से फीडबैक देख सकते हैं, आप मुझे एज ए इंसान समझ सकते हैं, अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए से
मेरे कोर्स कराने के बाद आपको अच्छे से मेरे से ज्यादा भृगु नंदी नाड़ी नहीं आई तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर मैं दिन में 6 घंटे पढ़ता हूं तो आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा तो आए, ये कंडीशन है सर। सर हम लोग को नोट्स मिलेगा क्लास नोट्स और पीपीटी सर मैं कुछ नहीं करता, जो अगर ये कहेंगे तो ये भी भेज दूंगा आज के, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। मैं जो लेके जाना है मेरा, मैं आई वाज बेसिकली टेक्निकल इंजीनियर, समथिंग हैपेंड इन माय लाइफ, आई एम फ्रॉम अ जाट कम्युनिटी, नो वेयर एसोसिएटेड विद एनी एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड, गॉड हैज गिवन सम इनसाइट, आई एम जस्ट स्प्रेडिंग दैट मैसेज एंड आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, जस्ट ट्राइंग टू अर्न माय ब्रेड, नॉट इवन बटर फ्रॉम दिस, बट ओनली कंडीशन इज आई विल टीच दिस भृगु नंदी नाड़ी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी टू ओनली दोज पीपल हु सैटर्न एंड हु जुपिटर आर गोइंग टू मैच विद माई चार्ट, दिस इज माई कंडीशन, इवन इफ समबडी इज गोइंग टू ऑफर 1 lakh 2 lakh आई एम नॉट गोइंग टू टीच, आई हैव अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग सम पीपल्स हुज जुपिटर एंड सैटर्न डजंट मैच विद माई चार्ट। Sir, so how to confirm that it matches or not? Because my number is there. You just WhatsApp your detail or you tell yourself personally. Even you need not to send my your birth details. मैंने क्या करना दोस्त? आप अब ईमानदारी से बता दीजिए आपका Jupiter Saturn कहाँ बैठा है? मैं बता दूँगा मेरा कहाँ बैठा है। मेरा Jupiter सिंह राशि में है और Saturn कन्या राशि में है। आपका आप हाउस बता दीजिए ना, कौन से हाउस में? हाउस नंबर 8 में जुपिटर है सिंह राशि और कन्या राशि में जो नवम घर है उसमें शनि और बुध बैठा है। 100% मैच कर गया सर। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा पंचम भाव में गुरु बैठा है, नवम भाव में सैटर्न बैठा है, आप मिला लीजिए। हाँ, सैटर्न मैच हो गया जुपिटर सर, एक मैच होना चाहिए ना, जुपिटर ब्लेस कर रहा है ना उसको पीछे से सर, आप देखिए जुपिटर इज गुरु, Saturn is profession, जीव को ब्लेस करना जरूरी है ना, जुपिटर और सैटर्न में से अगर बहुत अच्छा वो आगे जाके करेगा उसके दोनों मैच करेंगे, अगर वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा तो उसका एक भी चलेगा। मैंने यही बोला कि आइदर और मैं इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं बोल रहा सर। ओके सर, माई जुपिटर इज इन 5th हाउस, माई सैटर्न इज इन 9th हाउस, आपका 2/12 का जो मैंने बताया, अगर मान लीजिए यहाँ जुपिटर है मेरा, ये आप स्क्रीन दिख रहा है ना आप सब लोगों को? हाँ सर, हाँ सर। यहाँ पे मान लीजिए जुपिटर है, अगर आपका सैटर्न अगर 9th हाउस में बैठा तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया ना मेरा जुपिटर और सैटर्न का। हाँ सर, ठीक है। वन कंडीशन, अगर मान लीजिए आपका सैटर्न, मेरा सैटर्न यहाँ बैठा है, आपका जुपिटर सामने बैठा है तो भी हो गया, इसके पीछे बैठा है तो 25% देगा लेकिन आगे बैठा है तो 90% देगा ना इम्पैक्ट। हाँ सर, जो मेरा जुपिटर अष्टम घर में है, यहाँ पर बैठा है ना? हाँ सर, यहाँ पे मेरा सैटर्न बैठा है ना, जुपिटर और सैटर्न, जो सैटर्न उसको 90% आपको बढ़िया से सिखाएगा वो, आपको मेरा सैटर्न अच्छा। आपको मेहनत से सिखाएगा ये बोल रहा है सर। मेरा जुपिटर भी 8th हाउस में है तो मैडम मेरा यही कह रहा हूँ ना, यहाँ मेरा सैटर्न बैठा है ना, 2/12 का रिलेशन बन गया ना, मुझे मेहनत करके सिखाना है ना, मैं पैसा उसी से लूंगा जिसको सिखा सकूं मैं। अगर मेरा सैटर्न, मेरा प्रोफेशन आपके जुपिटर को ब्लेस कर रहा है ना, है हिम्मत से, मेहनत से, इट मींस इट इज मैचिंग सर। हाँ, 212 का मेरा आपको 25% नहीं देना चाहिए, 90% देना चाहिए ना कम से कम जी सर, या 100% देना चाहिए ना मैम। सर माय जुपिटर इज इन 5th में तो है, मैंने मैच कर गया, मेरा सैटर्न 9th में है और जुपिटर यहाँ, तो आप तो सब वैसे ही ब्लेस्ड हैं। और मेरा सैटर्न 4th में सर, कोई दिक्कत नहीं, वो भी पीछे बैठ गया, वो 90% दे रहा जुपिटर सैटर्न को। मैं तो आपको कुछ कह ही नहीं रहा, ओपनली बोल रहा हूँ, जिसको मुझे पढ़ाना है अब उसी लोग को पढ़ाना है जिसका जुपिटर सैटर्न मेरा कॉम्बिनेशन बन ले, एक भी बन जाए तो मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि वो बंदा मेरी इज्जत ना भी करे मेरे प्रोफेशन की और मेरी पढ़ाई की इज्जत करेगा, मुझे किसी से अपनी इज्जत नहीं करानी, लेकिन वो कदर तो करे मैं जो दे रहा हूँ, कदर नहीं करते आजकल एस्ट्रोलॉजी में लोग, और कदर के बगैर मुझे किसी को ज्ञान नहीं देते। हाँ जी सर, हमारा नहीं मैच करेगा, हमारा 3rd हाउस में सैटर्न है,
और सेवेंथ हाउस में जुपिटर है। मैडम कर गया ना, आप कैसे कह रहे नहीं मैच करेगा? सैटर्न, सैटर्न तो देख रहे हैं ना, मेरा नाइन्थ हाउस में सैटर्न है ना। यस यस, थैंक यू मैडम। मेरे से वो जुड़ ही नहीं सकता, मेरे प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं सकता जिसका मेरा सैटर्न और जुपिटर से ना हो। मैं डेली प्रेयर करता हूँ और अभी मैंने डिस्पोजिटर थ्योरी नहीं लगाया है। डिस्पोजिटर थ्योरी इज मोर प्रोमिनेंट मेरा एक मैक ग्रुप में, तो आज डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैंने वादा किया था मैं किसी का ग्रुप में कॉन्टेक्ट नहीं रखूंगा, मुझे किसी को अननेसेसरी नहीं करना। जस्ट मेरे को ये बताना था कि मैंने कहीं से सीखा तो मुझे कुछ लोगों को बताना था आगे, और आप लोगों से मैं ऐसा भी नहीं उम्मीद करता कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे। गैलेक्सी A70 वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा हाथ उठाया हुआ उन्होंने, प्लीज पूछ लीजिए। सभी लोग ओपन है, सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरे गुरु हैं, हम लोग सभी एस्ट्रोलॉजी में कभी गुरु कभी शिष्य बनेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी के साथ भी। हाँ जी सर, अविनाश जी बोल रहा हूँ, कैन यू हियर मी? हाँ जी 100% सर। सर सॉरी मैं लेट ज्वाइन किया, मैं थोड़ा दफ्तर से लेट आया। प्रभु वीडियो फेसबुक इस पे यूट्यूब पे आ जाएगा, बाद में सुन लीजिएगा जो बातें कही। हाँ सर, मैं एक जस्ट बिगनर ही कह सकता हूँ एस्ट्रोलॉजर का। सर मेरा जुपिटर फोर्थ में है और सैटर्न 11th में है। बन गया सर, बन गया। क्या मैं मेरे पे कृपा हो सकती है आपकी? मेरी कृपा? मैं करने वाला कुछ नहीं, मेरे पे किसी ने कृपा की तो मैं आगे उसको कर रहा हूँ। मैं तो भाई साहब आपसे भी बदतर स्थिति से निकला हूँ, लेकिन भगवान ने वो हिम्मत दे दी है कि जितने सर, मैं प्यार बांट सकूं। 100% बन के आपका जुपिटर फोर्थ में है ना? सैटर्न 11th में है। नहीं आप जुपिटर को ही पकड़ लीजिए पहले, मेरा जुपिटर 5th में है। जुपिटर जुपिटर को 90% सपोर्ट कर रहा है सर। अच्छा आपका जुपिटर 5th है? हाँ। ओके, मेरा 4th में है। और मेरा जुपिटर जो है सैटर्न की राशि में बैठा है 11th में। आपका जुपिटर बैठ के मेरे जुपिटर, आपका सैटर्न मेरे जुपिटर से सीधा रिलेशन बना रहा है भाई। ओके आप, मैं तो सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये चीज मैंने पाई है, आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि भाई आप लोगों में से कोई अगर किसी और आगे बढ़ के चलेगा तो मैंने किसी से सीखा तो आज मेरा एक्चुअली एक कर्म जो होता है ना कि अगर कहीं से सीखा तो आगे 10 लोगों को बताना है। आप चाहे मैंने 90 लोगों को ग्रुप में लिया, उसमें से चाहे 12 ही लोग आए, उन 12 लोगों को बता दिया तो मेरा कर्म की स्टेज कट गई। अभी मैं इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास केएन राव के, मैं बड़ा बात नहीं कर रहा, जिन्होंने केएन राव को होस्ट किया उन लोगों ने मेरे से भृगुनंदी नाड़ी पढ़ा और भी होस्ट किए हैं, लेकिन उनको कुछ अच्छा लगा। अभी भी कुछ और एस्ट्रोलॉजर्स को मैं इंडिविजुअल जाके पढ़ा भी रहा हूँ। मेरे कर्म ही ये है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अगर हम प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं तो आप भी अपनी जगह बनाएंगे, मैं भी अपनी जगह बनाऊंगा। करेक्ट सर। फीस कितनी है मैडम? फीस अभी यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं बात नहीं करना चाहता। मैंने जो पहला बैच किया था भृगुनंदु 11,000 रुपए में पढ़ाया था, अभी दूसरे बैच में 16,000 ले रहा हूँ। ओके सभी, अब तीसरे बैच और जिसको इंडिविजुअल जाके पढ़ा रहा हूँ उससे 21,000 रुपया लिया। GST अभी मैं, क्योंकि मैं नया बंदा हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर ही टीचिंग में, तो GST उसी में से पे कर रहा हूँ और मैं अकाउंट में ही पैसा लेता हूँ। GST बगैर दे मैं उसको छूता भी नहीं, और आपकी डोनेशन उसी बहाने गवर्नमेंट को हो जाती है। ड्यूरेशन क्या होगा कोर्स का सर? सर मैं 16x32 यानी 2 घंटे की क्लास होती है और जीवन भर आपका सहयोग रहता है तो 32 घंटे तो मैं पढ़ाता हूँ, बाकी आपकी श्रद्धा है सर। जीवन 2 घंटे? मैं मतलब हफ्ते में 2 क्लास लेता हूँ, ये बैच चलेगा मंगलवार और शुक्रवार को। पहली क्लास 13 तारीख को है, इस 13। ओके सर, इसमें नेटिव प्लैनेट हमने जो जीव कारक गुरु लिया है। हाँ। और मेल एंड फीमेल फॉर बोथ द पीपल नेटिव विल बी जुपिटर ओनली और वीनस और जुपिटर। मैडम मैं खुद जो एज एन एस्ट्रोलॉजर काम करता हूँ, मैं दोनों को मेल फीमेल को तब तक नहीं करता जब तक उन दोनों में कुछ शादी के लिए डिस्टिंग्विश करते ना मेल फीमेल, अदरवाइज दोनों सेम है। Okay. जब मैं शादी देखने जाता हूँ तो मैं उस टाइम पे देखता हूँ कि इसके लिए फीमेल अगर इसको ट्रीट करूं तो इसका क्या चार्ट बोलता है। उससे पहले तक दोनों सेम, हर चीज के लिए सेम, इक्वल दृष्टि, सब बहन भाई बराबर। सर पेमेंट एक ही बार में करना है या 2 सेक्शन में? सर कुछ लोगों ने मुझे किया है लेकिन कुछ लोग पहले
गड़बड़ करके गए हैं तो पैसा अगर कोई लेके गए वो अपने कर्म कहे तो दो हिस्सों में कर सकते हैं सर, कुछ लोगों को अलाउड पहले भी किया हुआ है, दो में कर सकते हैं, दो से ज्यादा जैसे आठ क्लासेस होंगी, आठ क्लासेस का पहले और आठ क्लास जैसे नौवीं क्लास होगी उससे पहले बाद उसके बाद की आठ इतना सर, हाँ जी बोलिए प्लीज सर। रेमेडीज काम करती हैं अगर हम किसी को रेमेडीज, मेरे यहाँ पर तीन चार स्टूडेंट हैं, अगर शिफाली मैम अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो बता देना मेरी हर क्लास में रेमेडी होती है कि नहीं होती प्लीज, या घनश्याम जी हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, बाकी और भी होंगे अगर आप बता दें। मतलब किसी को रेमेडी दी है और काम हो गया है, शिफाली मैम बताइए प्लीज, अगर कुछ बता सके तो ग्रुप में कुछ आपकी फीडबैक। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। हाँ जी सर, की रेमेडीज बहुत अलग रहती है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको बताते हैं, ये यहाँ है इसका ये इफेक्ट होगा, आप ऐसे रेमेडी करें। तो रेमेडी सिर्फ देते नहीं है, उसको पूरा एक्सप्लेन भी करते हैं कि क्यों ऐसा मैंने दिया, देखिए उसका इम्पैक्ट आया। हाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर इम्पैक्ट नहीं आया आपका तो आप, मैं कहीं भाग नहीं जाऊंगा, मैं तो यही चंडीगढ़ में ही रहता हूँ, आप खुद बताएंगे। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, मैं एक डाकिया हूँ, मैसेज भगवान को एप्लीकेशन आपने लिखा है, उस चिट्ठी के ऊपर एड्रेस आपने लिखा है, मैं उस चिट्ठी को पोस्ट करने के लिए पोस्टमैन हूँ, अगर आपने ईमानदारी से चिट्ठी लिखी है तो विद इन 3 months आपका कल्याण, अगर नहीं लिखी है तो 9 महीने भी लग जाएंगे, वो आपकी एनर्जी के ऊपर है। मैं पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर काम करता हूँ, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी करेंगे 3 दिन 30 दिन 90 दिन इससे ऊपर नहीं आता तो फिर मैं फेल। सर क्योंकि मैं अपनी डॉटर के बहुत सारी रेमेडीज कर चुकी हूँ उसकी शादी के लिए। आप एक बताइए, आप लोग कर पाए ना, मैं आप लोगों को एक शेयर करता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ किए, वो मेरी भी बेटी है, आपको मैं बता देता हूँ ताकि लोगों को पता चले रेमेडी कैसे करते हैं, अगर कोई नहीं भी आए तो पता चल जाएगा। आप तैयार है? ठीक है जी, अब समझ गए। अब मैं आपको एक वैसे चार्ट दे देता हूँ, रुकिए, आपको दिखा कोई चार्ट? हाँ सर दिख रहा है जी, दिख रहा है। ये किसी का चार्ट है, इसमें आप लोग देखिए, इसमें भी जो मैंने बोला है मंगल जो है वो लड़की का चार्ट है, यानी मंगल हस्बैंड है इसका, वीनस इसका पति है, सॉरी इसकी ये लड़की खुद है जिससे आके मिलना है, शादी करनी है, केतु बीच में आ रहा है, डाइवोर्स हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन काफी टाइम से शादी के 20-25 दिन के बाद से बीवी चली गई वापिस, मतलब लड़की अपने घर आ गई। इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि ये डाइवोर्स हो जाएगा? मैं तो नहीं मानता, अगर वो सुधारना चाहते हैं तो रेमेडी है इसकी, लड़की ने करनी है वो जिसकी चार्ट है, या लड़का करेगा उसके भी। आप मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर मैडम अगर मेरी अगर रेमेडी है, मैं अगर मेरे को कुछ चीजें नहीं मिली, मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, मैं किसी को नहीं कहता, इस चार्ट में अगर आप देखेंगे ये चार्ट, गुरु को जीव ले लीजिए, इस जीव के जीवन में जो दिखते हैं उनकी रेमेडी करनी है, किसी और के कहने से नहीं करनी, भृगु नंदी नाड़ी ऐसे चलती है, इस जातक के जीवन के जो रुकावटें हैं उनकी रेमेडी करेगी ना, अगर वो शादी की रेमेडी करेगा तो कैसे काम चलेगा। जीव के जीवन से कष्ट निकाल दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। रेमेडी मैं कराता हूँ, हर पहली क्लास से कराता हूँ, आप नोट करते चलिए नोट्स के हिसाब से, पीपीटी से, मेरी कोई भी क्लास विदाउट रेमेडी नहीं जाती, क्योंकि जब भी हम डिस्कस करेंगे कोई ना कोई टॉपिक आएगा और उसके हिसाब से। घनश्याम जी आप हैं बने हुए? यस सर। वो केले की रेमेडी करी थी आपने? बिल्कुल करी थी सर, वो सपना भी आया था आपने बताया, उसके बाद बिल्कुल नहीं आ रहा सर। ये जो मैडम, ये मैडम ने जो बताया तो मैंने उसका जवाब देने के लिए आपसे माफी चाहूंगा घनश्याम जी, लेकिन आपने जी आप ग्रह का पूरा बताया था, ग्रह का काम करेंगे तो आगे से आगे अपना काम होता रहेगा सर, बिल्कुल सही बताया सर। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू मैडम, जवाब मिल गया हो उम्मीद करता हूँ आपसे। मैंने इन लोगों को रिक्वेस्ट नहीं किया था, सिर्फ ग्रुप में डाला था, ये लोग आ गए तो इनसे बात कर ली। सर आपको मैं पर्सनल फोन पर बात कर सकती हूँ? हाँ मैडम बिल्कुल मैडम, मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ तो यहाँ पे आया हूँ, मेरा भी मतलब
ज्ञान तो देना था, अगर आपको किसी को मैं अच्छा नहीं लगा तो बेशक से मत कीजिए, जिनको अच्छा लगा तो उनके लिए नंबर मैं शेयर दोबारा कर देता हूँ, उसमें लगा हुआ है मेरे हर पीपीटी में, यूट्यूब पे हर जगह वो मेरा नंबर रहता है, यही नंबर है मेरे पास, ये जो नीचे लिखे हुए मैंने दिख गए होंगे आपका नंबर जी सर ये, और आपको ग्रुप में भी है तो उसपे जिस पर दोनों पे व्हाट्सएप भी है, दोनों पे वो आप कर सकते हो। पहले तो हमें ये देखना है कि आपकी लड़की किस उम्र में कहाँ चल रही है और उस पे वो चीज असर भी करेगी कि नहीं करेगी, मैं आपको पहले ही बता दूंगा। सर आपसे डिस्कस करूंगी मैं। हाँ मैं तंत्र मंत्र मुझे नहीं आता, मैं माफी चाहूंगा। सर वो सब नहीं करना है मुझे, सिर्फ पूजा पाठ वाला दान दक्षिणा बहुत। नहीं मैडम, पूजा पाठ भी उतना ही करना है जितना लड़की अपना पूजा पाठ के साथ जीवन चला सके, पूजा पाठ भी उतना ही करना है, बात करना है, घर के रिश्ते सुधारने हैं, घर का एनवायरमेंट ठीक करना है बस। जो जीवन में कष्ट आ रहा है मैं आपको बता दूंगा, आप चाहे कोर्स ना भी करें तो भी बता दूंगा, ये आपसे वादा है मेरा। थैंक यू सर। तो आप लोगों को किसी को और पूछना है तो पूछ सकते हैं प्लीज, क्योंकि फिर अननेसेसरी लंबा वीडियो हो जाएगा, उसका कोई लॉजिक नहीं निकलेगा, कोई भी कुछ पूछना चाहे तो मैं जवाब दूंगा। नहीं तो आपके पास मेरा नंबर आ गया है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो हाँ जी, गैलेक्सी A70 बोल रहे हैं, हाथ खड़ा किया प्लीज बोल दीजिए। हाँ जी सर, मेरा वो डिस्कशन टॉपिक था ना, वो मेरी बात हो गई थी, मैं डाउन कर लेता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू जी। और तरनजीत जी आप बोलिए प्लीज। यस सर, एक क्वेश्चन था, जैसे अभी अब मैरिज के बारे में बता रहे थे, तो अगर मार्स और वीनस कंजंक्शन हो तो वो कोई इशू करता है मैरिज? देखिए वो अट्रैक्शन देता है, मार्स और वीनस का मैं पहले बता रहा हूँ, वो अट्रैक्शन देता है, लगाव देता है, दिल के अंदर फीलिंग जनरेट करता है, बॉडी के अंदर वो नीड करता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर उसका केतु से कॉम्बिनेशन आया तो उसकी रेमेडी की जा सकती है कि तलाक ना हो। वो रेमेडी कैसे है वो एक सिंपल सी बात है, आपको बता दिया जाएगा कितने टाइम पीरियड के लिए, जब वो एक्टिव है तो कुछ दिन के लिए मायके चले जाओ या कहीं पे बाहर चले जाओ, सेपरेट हो जाओ। उस पोजीशन को अगर हमें पता है कि यहाँ पर हमें होने वाला है, देखिए जो होना है मैं पहले कह रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं, उसको बदल नहीं सकता, सिर्फ इतना कर सकता हूं कि वो एक्सीडेंट भयंकर होने की बजाय आपको क्रोच होके चला जाए। इवेंट तो होना तय है, इवेंट होना तय है, इवेंट जो लिखा है आपके चार्ट में, जो प्रोजेक्शन है, व्हाट एवर द प्रोजेक्शन ऑफ इवेंट्स आर देयर, इफ यू आर गोइंग टू बी अ टॉपिक, इफ यू आर गोइंग टू बी ए intelligent person, how can I make you a duffer? You are going to be an intelligent person itself, sir. Only thing so, is, yes, please. So, Venus and Mars as such a conjunction will not be an issue, right? No, it's a very good thing. Only you have to control your energy for that particular time period. Okay. Because it's a whether you marry one person or you marry one person two times or you marry three different persons, marriage is in your chart, then why not you remain committed to one person? Okay. This is the positive thought, na? And my whole astrology, even if I fail, I still remain a positive person. And I think like that only. Sir, can I ask if it is over? Yes, no. Anybody can ask. Yaar, I am open. जब तक आप कहोगे आज कोई क्लास नहीं है, मैं आपको खुद इनवाइट करके बोला है, तो मैं जब तक आपको सेटिस्फाई नहीं करूंगा कैसे भेज दूं? सर ऐसा है कि इवन बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैरिज। यस 100% लीगल मैरिज जो आप कह सकते हो, पार्टनरशिप में बिजनेस है। सो एंड जनरली एक बात ये भी होती है कि पार्टनरशिप एक का टाइम पीरियड ही होता है, मान लो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, इन मैटर ऑफ टाइम कहीं ना कहीं ये आके पार्टनरशिप फर्में टूटती हैं। तो हाउ कैन वन डिसाइड दैट मैरिज, इवन इफ बिजनेस इज ऑल्सो अ मैरिज एंड मैरिंग अ लेडी इज ऑल्सो अ मैरिज। Okay, I got your point, sir. I got your point. See, remember,
सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है. आई एम इन अ बिजनेस पार्टनरशिप फॉर द लास्ट 13 इयर्स. ओके. एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली माय पार्टनरशिप इज ब्रेकिंग. यस. आपकी वी आर सेपरेटिंग नाउ. नहीं नहीं मैं आपको वो भी बताऊंगा. आप मेरे एक लॉजिक समझिए प्लीज. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ योर ग्रैंडफादर हैज अ बिल्ड ए हाउस इन दिल्ली. इफ योर ग्रैंडफादर हैज बिल्ड ए हाउस एट ए कोठी इन ए दिल्ली. After grandfather, your father lived there and now you are still living in that. Correct. Do you think in three generation, approximately in 25 or 30 years, one generation passed? So three generation, if you can stay in the same house by maintaining something, then how? Why not you cannot run an operation business for 30 years or 40 years, sir? It's only your thought process. You have to make a positive. You try to adjust and you work on that. You will 100% survive, sir. I'm not saying I am not God. I do agree, sir. But marriage, agar marriage ko hum kya kehte hain? It's a, not a one-way traffic. It's a two-way traffic. 100%. Let it be like that. You try to become a Shri Ram. You are trying to become a Shri Ram. मैं तो कहता हूँ चार नंबर की कुंडली सभी ज्योतिषी कहते हैं. पांच नंबर की कुंडली सभी ज्योतिषी कहते हैं कि जिनकी चार नंबर और पांच नंबर की कुंडली होती है उनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है. ऐसा बोलते हुए आपको मिल जाएंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर या किताबों में भी लिख जाएगा कि चार और पांच की होती है. मैं चार नंबर लगन की और पांच नंबर की. ओके. शादी में तकरीबन सब जगह आपको लाखों वीडियो मिलेंगे जो लोग कहते हैं कि उनकी शादी में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है. लेकिन मैं ये कहता हूँ चार और पांच की क्या सबके तलाक हो जाते हैं क्या? हाँ, नॉट नेसेसरी. मैं यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर आप मेंटेन करोगे. मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे साथ पॉजिटिव लोग जुड़ेंगे तो नहीं टूटेगी ना यार. फिर भी टूटना होगा तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं उस साल वो आप उसको बचाव के लिए जो कर सकते करो. मैं स्पेसिफिक बिजनेस की अगर बात करूं, पार्टनरशिप बिजनेस की, जी मेरी मैरिड लाइफ तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. सी अगर आपका सैटर्न और मरकरी को ठीक कर लीजिए आपकी नहीं टूटेगी भाई. जिस मर्जी से बिजनेस कर लेना. अच्छा. बिजनेस के लिए सैटर्न और मरकरी चाहिए. अभी आप उसको ठीक कर लो और उसको अच्छा रिजल्ट दो और मुझे फिर बता देना. मेरे से मिलना भी मत. 5-10 साल अगर मेरी उम्र रही तो आप अगर मुझसे मिलोगे तो बता देना अपने पार्टनर जो टूटने वाली थी वो भी बच गई कि नहीं बच गई. सर ये जो कोर्स है ये कंप्लीट कोर्स है, इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि फिर एडवांस करना है? मैडम मेरा कोई एडवांस नहीं, कोई बेसिक नहीं. जो जिस दिन तक आता है मैं दे देता हूं. मेरा किस बड़े से मैं आपको कह रहा हूं, मैंने अभी तक एस्ट्रोलॉजर्स को ही पढ़ाया. लेमैन को तो अभी एक दो लोग अभी क्योंकि आ रहे हैं तो मैं उनका भी सैटर्न और जुपिटर देख के आपको कंडीशन बता दिया ना उसी के साथ. सर मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ ना, इसीलिए पूछ रही हूँ कि भृगु सीखने के लिए मैंने बहुत टीचर्स के पास गई हूँ. मैडम आप एडवांस बेसिक वो करते करते ना बहुत प्रॉब्लम होती है. मेरा आप कान पकड़ के बोल रहा हूँ, गुरुओं के नाम लो के बोल रहा हूँ, एक ही कोर्स है और सारी उम्र एक ही रहेगा. जो जिस दिन आता होगा उसी में चला जाएगा. आप मेरा उन्नति एस्ट्रो वाला के नाम पे प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं. मैंने चौथा पांचवी बार पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरा एक ही रहेगा क्योंकि मैंने जो देना है वो एक ही कोर्स में देना है. कोई मेरा भृगुनंदी नाड़ी का एडवांस मैडम मैं आपको इवेंट आपकी परफेक्ट मैच करे हुए आपकी लाइफ की और आने वाली इवेंट आपको बताऊंगा. आप अपना चार्ट को संभाल लीजिए तो आप अपनी जिंदगी को संभाल. एक किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपनी जिंदगी पहले संभालनी है तभी तो दूसरों की संभाल लेगा ना. जी अगर हम कहते हैं सब पर सॉरी टू डिस्टर्ब कहते हैं एस्ट्रोलॉजर अपना चार्ट ही खुद नहीं देख पाता लेकिन सामने वाले के समस्याओं का हल करा देता है. भाई मेरे चेहरे पे शकन दिख रही है क्या आपको? नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर. नहीं नहीं मैं बाकी मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ. मेरे को भी किसी ने नहीं जवाब दिया. मैं जाट जाति का हूँ. मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था और मेरे साथ ऐसी घटनाएं की थी जब लोगों ने जवाब नहीं दिया मैंने एस्ट्रोलॉजी को साइड में रख दिया. मैं तो जीने का जिंदगी सीखने का तरीका सिखाता हूं भाई. मैं माफी भी मांगता हूं. मैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहता हूं क्योंकि एक वर्ड तो देना है ना. व्यापारी बनना है तो व्यापारी कहलाएगा. पढ़ाने का काम करते थे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था लेकिन कहते सभी टीचर थे, कोई प्रोफेसर नहीं कहता था. तो एक ट्रेडमार्क तो मुझे भी मिलेगा ना, नाम तो मुझे भी मिलेगा ना.
मैं पहले कह रहा हूँ मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का वाशिंदा हूँ। भगवान को आप एप्लीकेशन जितनी अच्छी डालोगे मैं आपको उतना बढ़िया रिजल्ट ला के दू। आप मुझे कहें कि मैं ये कर रहा हूं और जो मैं कह रहा हूं घर में जाके आप दूसरा काम कर रहे हैं तो नहीं हो सकता बॉस, वो गलत है। आप घर में आज जितने भी लोग हैं अपनी फीमेल की इज्जत करना शुरू कर दीजिए परिवार में, कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले फिर कह रहा हूं, आप अपनी वाइफ को गाली देना बंद कर दीजिए, जो बना रही है उसको खा लीजिए चुचकार के धन्यवाद देवी कह के। अगर और अच्छा करना है तो सोते टाइम उसके पांव छू के सो जाइए, आपको फिर दुनिया की कोई रेमेडी करने की जरूरत पड़ जाए तो बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर फेल। आप मेरा कोर्स भी मत ज्वाइन करो, आपको लिख के दे रहा हूं। अगर ये 3 महीने में रिजल्ट ना मिल जाए तो आपकी भी ये जो आप कह रहे हैं ना भाई साहब गैलेक्सी, आपका नाम इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, सॉरी। मेरा नाम अविनाश गुप्ता। अविनाश गुप्ता जी, जो मैंने आपको कहा ये रेमेडी कर लीजिए, आपका बिजनेस पार्टनर वही कहेगा मैं आपके साथ धंधा करना चाहता हूं। जीवन में हम सबसे पहले रेमेडी सूर्य की करते हैं, दूसरे नंबर पे गुरु की करते हैं, तीसरे नंबर पे शुक्र की करते हैं, और इन तीनों से रिजल्ट ना आए तो केतु को पकड़ लो, पितरों को। रेमेडी करनी आनी चाहिए भाई, और करनी आपने ही है, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, कोर्स में बेशक से मत आओ, लेकिन अगर आओगे तो कुछ नया लेके जाओ, मर्जी। मेरे पास आना तो क्लास गिलास खाली करके आना ताकि मैं उसको पूरा भर के दूं, आधा लेके आओगे तो आधा ही पानी डाल पाऊंगा उसमें। हाँ, लेकिन ये है, ये वादा करता हूं अगर 16 क्लास ईमानदारी से पढ़ा तो ये आप खुद कहोगे सर हमें बदल गए, वो आपकी अपनी इच्छा पे है, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ना भाई। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मेरा जब लाइफ बदली है तो मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते घर बैठ जाओ, मेरे को एक ही क्वेश्चन उठा जो मैंने किताब से पढ़ा कि अगर कोई बंदे के कर्म पूरे हो गए वो एक सांस भी नहीं ले पाएगा, अगर उसकी मौत हो जाएगी मतलब उसका जीवन खत्म हो जाएगा। मैंने देखा कि भी मेरा कुछ तो ऐसा काम बचा हुआ है जो ये लोग नहीं बता रहे हैं और जिसके जीने के लिए पूरा करने के लिए मैं जिंदा हूं, मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं और वही आगे फॉरवर्ड कर। आपकी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जब तक काम करें दुनिया के काम आए, जब तक जिंदा है लोगों के काम आए, लोगों की मदद करें, मैं वो कर रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं आज सांस ले रहा हूं तो एक घंटे बाद मुझे क्या होगा, मुझे कोई चिंता नहीं, डर निकल गया मेरा, और यही मैं आगे बताना चाहता हूं। तभी तो जिंदगी जियोगे, मर के क्या जी लोगे यार, टेंशन में जिंदगी नहीं जी जा सकती भाई। आपका जहां गुरु बैठा है आप समझ जाइए क्या है, जहां पर आपका गुरु बैठा है ना, जिस साइन में बैठा है उसके हिसाब से आप अपनी जिंदगी जी लो यार। मेरा गुरु 10 नंबर में बैठा है, उसको नीच का कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, मुझे पता है लोगों की सेवा करनी है, जो भी काम करना है सेवा भाव से करना है, मैं कर रहा हूं। मेरे सेवा करते करते कर्म कट गए, इससे बढ़िया और क्या चाहिए यार। बाकी हो सकता है कि मैं ऐसी बात बोल रहा हूं आपको अच्छी ना लगे तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, कोई ऐसा किसी को नाराज करके नहीं भेजना है, खुश होके भेजना, सब लोग जाओ खुश होके जाओ, अगले दिन उठो तो भगवान को प्रार्थना करो एक अच्छा जीवन मिला है, आज नया काम करेंगे, आज देखते हैं जिंदगी में 2 लोगों को हंसाते हैं, 2 लोगों को हंसाओ जिंदगी में, भगवान आपको 10 बार हंसाएगा। ये लाइफ की फिलॉसफी लगा लो, कोई एस्ट्रोलॉजी के वो रेमेडी करने की जरूरत नहीं, पहली रेमेडी शरीर की करो अपनी। आपको क्या पता मैं कितने दुख के साथ मतलब बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं यही कहूं मैं दुखी हूं ये रेमेडी कर लो, मैंने किसी को आज तक 100 रुपए की रेमेडी भी नहीं बताई है, 100 रुपए की भी रेमेडी नहीं बताई है, सिर्फ यही बताया जो घर में अवेलेबल है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे मेरे को भी 143 वीडियो पड़ी है मेरे यूट्यूब पे, मैंने एक में भी किसी को ये नहीं कहा कि तुम ये मंत्रों का कर, जो करना है शरीर से करना है। पंडित को आप घर में बिठाओगे वो तो वो मेहनत करके गया, आपको क्या फल मिलेगा, वो तो पंडित को मिलेगा, आप सिर्फ पैसे दे रहे हो, आप हायर कर रहे हो, हायर करने से जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन करने से जिंदगी बदलती है। ठीक है जी अविनाश जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
एक्शन में आ जाओ यार, सब कुछ अच्छा लगेगा, वही बीवी अच्छी लगेगी, वही बिजनेस पार्टनर अच्छा लगेगा, एक्शन में आ जाओ। सोचो इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया, मैं इनके लिए क्या करता हूँ। आप देने की नियत रखो, भगवान आपको इतना देगा आप भूल जाओगे जिंदगी को। करेक्ट, ठीक है। कहना आसान है, मेरे लिए भी कहना आसान है, शायद मैं पर करना मुश्किल है। हाँ, करना मुश्किल है, लेकिन आप हर रोज सोचोगे तो हो जाएगा ना एक दिन। सोचेंगे तो ही बात बनेगी। हाँ, देखिए जब हमारे मन में पहले बीमारी आती है तब हम बीमार होते हैं। अब मैं कह रहा हूँ आप मन में ही अच्छी चीजें लाइए तो आपको अच्छी मिलेगी। आप सोचिए मैंने जिंदगी में आगे बढ़ना है और मैंने अपने बच्चों को अच्छा देना है, अपने पति को अच्छा देना है, मैंने अपनी पत्नी को अच्छा देना है और पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन करने, तो हफ्ता अगर आप ये करेंगे तो 11वें दिन वही पड़ोसी आपको सुंदर लगने लगेंगे। यही भृगुनंदी नाड़ी है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, मैं तो जीवन बदलने के लिए भृगुनंदी नाड़ी में आया, इसी करके आप लोगों से रिक्वेस्ट की। और मेरा प्रॉमिस है, ये ग्रुप अभी मैं जैसे ही क्लास खत्म होगी, खाना भी तब खाऊंगा, सबको रिमूव करके डिलीट करूंगा इस ग्रुप को। जिसको मेरे को मैसेज देना था मैंने मैसेज दे दिया बस। तो फिर आपसे जुड़ेंगे कैसे? मेरा यूट्यूब है ना उन्नति एस्ट्रोवाला, फोन नंबर ये लिखा हुआ भाई नीचे, आप नोट कर लो। ओके, क्योंकि अगर उस ग्रुप को मैं कोई मैसेज भेजूंगा, बाय चांस मैंने भेज दिया, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे ना, उनके उनकी नेगेटिव नहीं करना ना, मैंने किसी को नाराज नहीं करना। जो मुझसे जुड़ेगा, दिल से जुड़ेगा, उसके पास तो मेरा फोन नंबर भी है, मेरा घर आ जाओ यार, घर का पता दे दूंगा, क्या दिक्कत। बस आपकी चाह होनी चाहिए ना मुझसे मिलने की, मुझसे जुड़ने की, तभी हम दोनों मिल सकते हैं ना दोस्त। सर आप चंडीगढ़ में बेस हो? मैं चंडीगढ़ में जीरकपुर में रहता हूँ। ओके, ठीक है। तो जय श्री राम बोलते हुए अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं खत्म करूंगा, क्योंकि अननेसेसरी किसी को बुरा ना लग जाए। कोई अगर फिर भी पूछना चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सर एक छोटा सा फिर एक सवाल ही था, जैसे अब जुपिटर की बात ही हो रही थी, सर अब जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में है और छठी राशि में है तो मतलब आपका, आपका मकसद कॉमर्शियल चीजों में करने का है, आप कॉमर्शियल चीजों में लगे रहिए, जो गेन आपको मिलता है। करेक्ट, ठीक है। आप इसके अलावा कुछ करेंगे मैं आपको कह दूं कि आप पूजा करने लग जाओ, आप नहीं कर पाओ, क्योंकि जो भगवान ने बना के भेजा है यार, ब्लेसिंग उसकी है, तुम करो ना, कमाओ ना। कॉमर्शियल चीजों आप अपना फायदा पहले देखो, जो भी करो उसमें अपना फायदा पहले देखो, लेकिन दूसरे को भी तो कुछ दे दो भाई, सब कुछ हजम कर जाओगे तो कैसे काम चलेगा, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। यही ये आपका चार्ट का है, इससे यही भृगुनंदी नाड़ी में मैं सिखाता हूँ। ओके, यही यही भृगुनंदी नाड़ी है भाई, और कुछ नहीं। हाँ जी, रोहित काल का रोहित जी पूछना चाह रहे थे कुछ, या पलक मैडम पूछना चाह रहे थे, आप पूछ लीजिए। हाँ जी सर, जैसे मेरा हमारा जुपिटर और सैटर्न 159 के कनेक्शन में है, नाइन्थ हाउस और फर्स्ट हाउस में जी, बट उसके साथ केतु भी बैठा हुआ है, कोई तो वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों को बीच में रोकता है, हम कोई चीज में भी। ना, पहले तो आप ये बात करो कि आपने अभी तक पहले जॉब करते थे या अभी अपना काम शुरू किया, पहले तो ये बताओ। सर जॉब एक बार ही करी है बट हाँ, वो छोड़ दी। उसके बाद बहुत बारी मतलब एस्ट्रोलॉजी भी स्टार्ट की, वो भी छूट गई, बहुत बारी चीजें स्टार्ट करके वहीं पर लटक जाती हैं, अटक जाती हैं, तो कहीं तो ग्रोथ होती है। हाँ, आपका ये तय था कि पहले एक बार आप जॉब अवश्य करोगे, तो मेरा भी सैटर्न और जुपिटर का रिलेशन बन रहा है ना 159, तो पहले मैं जॉब करता था, मैंने 20 इयर्स के करीब कॉलेज में पढ़ाया है बच्चों को, और बड़े बच्चों को पढ़ाया इंजीनियरिंग कॉलेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मैं पढ़ाता हूँ। हाँ जी, तो मेरा ये चार्ट ये इंडिकेट करता है कि मुझे एक टाइम पे आके अपना प्रोफेशन बदलना पड़ेगा। प्रोफेशन तो चाहे पहले भी बदले, मैं पहले इंडस्ट्री में था, रिफाइनरी में कंस्ट्रक्शन की वो जो जॉब होती है जो बनती है उसमें था, उसके बाद टीचिंग में आया, लेकिन अब क्या समय आ गया था वो इंडिकेट कर रहा था कि अपना खुद का काम करना, इसलिए अपना खुद का करने के लिए मैंने जॉब छोड़ी उन्नति में। क्या आपका भी ऐसा ही है? केतु आने से तो प्रोमिनेंटली हो गया कि लोगों के लिए जीना पड़ेगा ना, एस्ट्रोलॉजी करना पड़ेगा, शुरू में जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे आपका काम बन जाएगा।
नहीं बट एक बारी नहीं, ऐसे बहुत बारी हो चुका है कि कितनी बारी कुछ चीज स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फ्रूटिफाई नहीं होती है। मैडम आप चिंता मत कीजिए, आपको क्या पता, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 4 साल से मैं घर बैठा था, कुछ नहीं किया, हिम्मत नहीं हारने का ना। वो जो प्लेनेट बोल रहा है उस उतना टाइम पीरियड निकालने का, आपका जो आपका जब चार्ट में स्टडी करूंगा तो बता दूंगा आप क्यों बैठे हो, उसका रीजन होता है। देखिए आप घर में 4 चपाती बना रहे हो तो उसका रीजन है ना 4 चपाती बनाने का, तो सेम वे आपके जो चार्ट में हो रहा है उसका भी एक रीजन है, उस रीजन को पकड़ लो मैं और उस रास्ते पे चलो। आपको शायद अभी चार्ट से आपको रीजन नहीं पता, आपका जुपिटर कौन से राशि में बैठा है? 11 नंबर। 11 नंबर क्या राशि है? कर्म योगी। हाँ जी, कर्म योग करते चलो, कर्म को बार बार बदलोगे तो कैसे सफलता मिलेगी आप बताओ। अगर आप उपदेश देना शुरू कर रहे हो तो आप ये चिंता मत करो आपको सुनने वाला कोई है कि नहीं है, उपदेश दे डालो ठीक है, इसलिए आपको स्ट्रगल हो रही है। और पहले अपने चार्ट को समझो प्यार से बैठ के, 5 साल की प्लानिंग आपका चार्ट ही बता देगा आपको 5 साल में क्या करना है। मैंने ऐसे ही सीखा है मैडम, और मेरे को वो होता हुआ दिख रहा है तो मैं आपको आपको आपके हाल पे छोड़ता हूँ और आप खुद जज करेंगे। डोंट वरी मैं प्लग मैडम, आपका चार्ट कहता है कि आप बहुत बड़े इंसान हो और आपको बहुत अच्छी चीजें जल्दी ही मिलने वाली है। होप में ही रहते हैं सर हमेशा। नहीं होप नहीं करना, आपको आप अपना चार्ट मुझे भेजिएगा, मैं ईयर लिख दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, 1/8 और जुपिटर सैटर्न का रिलेशन कैसा होता है सर? 1/8 का 1/8 सैटर्न का किसके साथ? जुपिटर के साथ। हाँ, जुपिटर से आस्तम में गुरु है कि 1/6 बनेगा 1/8 बनेगा ना, पहले आप बताइए किसको पकड़ रहे हैं सर? जुपिटर 4th में है, शनि 11th में है। तो समझ लीजिए कि आपके प्रोफेशन में आपको दिक्कत आ रही है ना, वो प्रोफेशन को आपको ठीक करना है सर। पर 11 साल तो हमारी पार्टनरशिप बढ़िया चली, अब पार्टनरशिप टूट रही है। नहीं वो अभी क्या होता है, कुछ चीजें होती है उसको रिन्यू करना पड़ता है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी हम रिन्यू करते हैं ना, आप उसको रिन्यू करने की जो आपका मौका दिया होगा भगवान ने, वो सिग्नल आप समझ नहीं पाएंगे। करेक्ट, ठीक है, समझ गए मेरी बात जी। अगर 11 साल चली है तो इसको 21 साल भी चल सकती है और ये 31 साल भी चल सकती है, लेकिन जब वो सिग्नल आया होगा गॉड ने दिया होगा। देखिए मैं जब मेरा बुरा टाइम आने वाला था तो मुझे सब्जी मंडी में गया और सैटर्न की महादशा थी, मैं वैदिक से बता रहा हूँ, मुझे उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं पता थी। जाट होते ना, जैसे अखड़ होते हैं, जैसे हरियाणा के, आई एम रोहतक का हूँ, हरियाणा का, मेरी भाषा से अभी आपको नहीं लग रहा होगा। नहीं मैं मैं भी हरियाणा का ही हूँ। ठीक है, हम तो ये कहते हैं कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं होता था, अगर कोई मांगने वाला आ गया तो उसको भी मार देते। आया था एक काला बंदा काले कपड़े पहने हुए, शनिवार के दिन 8 नंबर का जूता, और मैं किसी मांगने वाले को पहले देखता हूँ, अपनी पॉकेट के हिसाब से 100-150 रुपए निकाल के रख देता हूँ। उसके मांगने से पहले मैं 100 रुपया उसको दे रहा था, उसने बोला तेरे 100 रुपये नहीं चाहिए, जूते पहना दे। मैंने उसको जूते नहीं पहनाए, उसको 100 रुपये दे के सब्जी मंडी आगे अपनी वाइफ के साथ लेने जाए। जब मैं वहां गया मुझे खटक गया कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, उस बंदे को मैंने पूरा ढूंढा मिला ही नहीं। ये मैंने अपनी जिंदगी की जब बैक ट्रेक की और उसकी एक रेमेडी की मैंने मंदिर में जाके, जिस दिन वो रेमेडी मेरी पूरी हुई उसी दिन किसी बंदे ने आके मुझे 8 नंबर के जूते मांग लिए। ओके, ये आपके जो कोई बंदा ही ग्रह बन के वो अपना कर्ज मांगने आएगा ना, वो हमें चुकाना पड़ता है। अगर आप उसको रियलाइज करोगे, आपको खुद अपने से रियलाइज करना है, उसको बैक ट्रैक करो। ये जो आपकी पार्टनरशिप टूट रही है, आज सोने से पहले ठंडे पानी से मुंह धो के आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठना, आपको अपने आप याद आ जाएगा मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया कि आपका रीजन आपको पता चल जाएगा क्यों। सर जब फ्रैंकली बताएं, जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो वो तो एक तरह से कहते हैं ध्यान लगाना होता है, और जब मैं जब मैं आंख बंद कर लूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान लग जाएगा और मेरे मन में तो कोई ख्याल आएंगे ही नहीं।
नहीं नहीं भाई, ध्यान लगेगा तो आपको रीजन पता चलेगा। आपने पूरी बात नहीं सुनी अविनाश जी, आप सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ पांच मुंह धो के आंख बंद करके बैठ जाओ, आपको रीजन पता चल जाएगा। आपको किसी का नाम नहीं लेना, सिर्फ आंख बंद करके बैठना, आपको रीजन पता चल जाएगा। मैंने आपको कुछ सिग्नल भेज दिया, ओके कल बता देना आप। सिग्नल का इन द सेंस मैंने अपनी पॉजिटिव एनर्जी भेजी और कुछ नहीं भाई। कहीं ये सोचे बाकी लोग की मैंने कोई आशीर्वाद दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने अपनी अपनी अच्छी नियत से आपको कहा कि भगवान इसको ब्लेस कर दो, करेक्ट? मैंने ये भेजा आपको, ओके। हाँ जी, कोई और प्लीज पूछ सकता है? अब पहले जो पूछ सके प्लीज वो मत पूछना, क्योंकि बहुत हो गया। जिन्होंने नहीं पूछा वो पूछिए पहले, ओके। मेरे अलावा छह लोग हो रहे हैं यहाँ पर। बीमल राउत जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? रोहित जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? घनश्याम जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अमन तो चलो मेरे पास बात से फोन करते रहते हैं, जो बात होती रही। अमन जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हैं। राजी, एक बात, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे अभी? हाँ पूछिए पूछिए प्लीज, बिंदास पूछिए। ये आपने बोला, मैं बीच में कट गया था लाइन में, आपने बोला कि सिक्स्थ हाउस से जो भी प्लैनेट होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं, सिक्स्थ हाउस मतलब जो गुरु से चौथे छठे आठवें में जो बैठा होगा, तो वो जातक की जिंदगी में वो ग्रह थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सिर्फ जुपिटर को लेके हुए या किसी भी प्लैनेट से हो सकता है? अगर जुपिटर है तो जिंदगी में करेगा, अगर सैटर्न है तो प्रोफेशन में करेगा। कोई भी प्लैनेट। जैसे मेरा सैटर्न सेकंड हाउस में है और उससे फोर्थ हाउस में राहु है। नहीं, सैटर्न से फोर्थ पोजीशन करिए। सैटर्न से फोर्थ पोजीशन आपका एक दो तीन चार फिफ्थ हाउस करेगा। फिफ्थ हाउस सैटर्न अगर वहाँ पे राहु है, राहु आपकी इल्यूजन, आपका जो भ्रम, वही आपका कारण, ओवर थिंकिंग, वही आपका रुकावट है। आप ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल कर लो, सारी चीजें ठीक। इल्यूजन्स काफी होते हैं मेरे को। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ यार, मैं तेरे को भगवान ने कुछ चीज दी है, मैं बिंदास लोगों को दे रहा हूँ, बगैर किसी मतलब के दे रहा हूँ। लेकिन यह कि जिंदगी सुधारने के लिए दे रहा हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। तो ऐसे तो ये जो मेरे को समझ में आ गई, तो हर प्लैनेट जहाँ बैठा जिस घर का है, तो उससे फोर्थ हाउस में जो प्लैनेट होगा वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। ऐसे टाइम सारी प्रॉब्लम नहीं आती ना जिंदगी में, एक एक आती है। एक एक प्रॉब्लम पकड़ो, उसको ठीक करते चले जाओ। एक एट ए टाइम, कभी भगवान इतना निर्दयी नहीं होता कि सारे थपेड़े एकदम मारेगा आपको। वो आपको कुछ जगह टेस्ट करेगा, और उस टेस्ट में जब आप फेल हो गए तब आपको वो परेशान करेगा। ठीक है, उस प्रॉब्लम को पकड़ो और उसको रेक्टिफाई कर लो, तो वो ठीक कर देगा। सिंपल सी बात है। ठीक जी, ठीक है, थैंक यू अमन जी। विमल जी, विमल राउत जी, आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज। तो अभी बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो अगर किसी का कोई जवाब नहीं है, मैं जय श्री राम बोल के आप लोगों से सबसे ज्यादा चाहूंगा, ये फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब पे ये वीडियो डाल दूंगा, जिसको बार बार देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री राम। थैंक यू सर। जय श्री राम। शुभ रात्रि। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम।